This is our first session of JVMS MHRD course. Okay. So welcome you all, and today we will gonna discuss different syllabus, like what is the syllabus of JVMS MHRD program. So basically today we will discuss about three major subjects. ओके आज हम लोग क्वांट्स और अभी जी के नहीं ले रहे, अभी जो तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ना है. अभी हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग, आप लोग जैसा जानते हो, कितने यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स आप लोगों को पता होंगे, कितने सेक्शन हैं यहाँ पे. हेलो, हेलो, हेलो सर, थ्री सेक्शन है, मतलब एचआर के थ्री नहीं. नहीं नहीं, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, यहाँ पे फाइव सेक्शंस. आप सेक्शंस नहीं देखे हो ध्रुव? यस सर. आज यहाँ फाइव सेक्शंस आपको पढ़ना है. ठीक है, एक हो गया आपका क्वांट्स का, एक हो गया जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसको हम लोग जीके भी बोलते हैं. ठीक है, तीसरा हो गया आपके ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट्स हो गया ये. ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया ग्रुप डायनेमिक्स हो गया. ठीक है, और आपका जो पांचवा हो गया वो आपका इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया. ये सब जितने सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये अगर आप लोग, अगर यहाँ पे कोई बीबीए, निशांत आप किस बैकग्राउंड से हो, बीटेक या फिर नॉन इंजीनियर हो? निशांत आप बीटेक या फिर नॉन इंजीनियर क्या किया आप, बीबीए या फिर बीकॉम? अच्छा, एग्रीकल्चर. ठीक है, चलो कोई नहीं. तो आप जैसा, ठीक है निशांत, आप मुझे बताना कि अगर आप लोग, ठीक है, नहीं भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे जो मेनली ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आपके सेमेस्टर हिसाब में भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने होते हैं, अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो. ठीक है, क्योंकि बीबीए हो गया या फिर कुछ बीकॉम में भी पढ़ना रहता है. ठीक है, ये सब आपको सब्जेक्ट्स में, आपको सेमेस्टर या सेमेस्टर के टॉपिक्स आपको मिलते हैं. तो आज मैं अभी फर्स्ट सेशन में आपको यहाँ पे कुछ सिलेबस यहाँ पे चर्चा करूंगा. ठीक है, ये सब में क्या सिलेबस पढ़ने रहते हैं. ठीक है, और देखो मेनली जो होता है, ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं ना जेवीएमएस एमआरजेडी प्रोग्राम में, ह्यूमन बिहेवियर, ग्रुप डायनेमिक्स और इंडिविजुअल बिहेवियर में, यहाँ पे आपको एक थ्योरी भी आ सकती है या फिर आपको एक केस स्टडी वाली क्वेश्चन. आप लोग जैट का पेपर देखे हो? जैट का किसने किसने जैट का पेपर दिया, देखा हुआ है? सर मैंने देखा हुआ है. आपने वहां पे जैट के पेपर पे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस बनाए हैं कभी भी? आपने मतलब उसको केस स्टडी सॉल्व किए वहां पे डिसीजन मेकिंग? हाँ सर, करी है. जैसे कि किसी पैराग्राफ हो गया जिसमें कि किसी को कुछ, कोई मैनेजर होता है वो कुछ बुरा वर्क कर रहा होता है, तो उसको डिसीजन को कैसे सुधार सकते, इंप्रूव कर सकते, उस चीज के बारे में था वहां पे. तो जैट के पेपर ही जैसा आपको इस तीन सेक्शंस में आपको वहां पे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, आपको मैं बोलूंगा 95% चांस है एमएचआरडी प्रोग्राम लाने के लिए. तो अगर आप लोग की डिसीजन मेकिंग पे पकड़ है ना, आप लोग उसको सॉल्व करना जानते हो, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि ये सेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. और जो मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर अभी से आप लोग, ये मैं बोलूंगा डेली आप लोग डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जरूर करो. और मैं कल, अभी जो कल का क्लास होगा हमारा डे वाला, उसमें मैं डिसीजन मेकिंग के सेट्स लाऊंगा. ठीक है, जैट के ही क्वेश्चन हम लोग उठा लेंगे या फिर कोई और भी, तो वहां से आपको इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगी कॉन्सेप्ट कि आप लोग कैसे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, गेटिंग? चलो हम लोग का सिलेबस डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग. ओके, तो हम लोग का इसका जो सिलेबस है ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट्स का, और मैं ये पीपीटी आप लोग को भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग सिलेबस आप लोग के पास रहे. ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सिलेबस है, बहुत ही एक ह्यूज सिलेबस है, बट हम लोग पास टाइम बहुत कम है. तो यहाँ जो मेनली आपको है यहाँ पे फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ पे 9 टॉपिक्स पढ़नी है. ठीक है, और देखो अभी आप दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे यहाँ पे बता देना. ठीक है, आप माइक पे ही बोलेंगे क्योंकि मैं भी पीपीटी पे हूँ. ठीक है, निशांत आप प्लीज वहाँ पे स्पीक कर देना. ठीक है, चैट में मत लिखना. ठीक है, तो ये
टॉपिक्स पढ़नी है, तो 9 टॉपिक्स पढ़ने में आप लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड जानते हो ना, साइकोलॉजी ये सब कुछ थोड़ा पढ़े होगे तो, कभी मोटिवेशन ये सब हो गया, सर। लीडरशिप हो गया, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये आपका ना मैं बोलूंगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बोलूंगा एक चैप्टर होता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी होता है, बीबीए में, अगर आप बीबीए से कोई भी होता है या फिर नॉन इंजीनियर कोई होता है तो आपको वो सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और इससे आपको पूरे सेमेस्टर में 5 यूनिट पढ़ा जाता है, बट उसका सिलेबस अलग है, हम लोग का सिलेबस अलग है यहाँ पे, ठीक है कुछ। और मोटिवेशन भी एक होता है हम लोग का, एक टॉपिक होता है, ठीक है, एक सेमेस्टर में आपको सारे पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हो गया, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, ठीक है, एंड आपको टीम डायनेमिक्स हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स में ही बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स एचआर से जितने आते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग पास टाइम ही बहुत ही कम है, और जो अभी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ली है, और आप लोग भी मैं जब पीपीटी शेयर कर दूंगा जो आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे वो सब भी आप लोग खुद से ही पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन्फर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है हम लोगों के पास, और टॉपिक्स बहुत सारी कवर करनी है यहाँ पे, और डिसीजन मेकिंग भी हम लोग को करनी है, केस स्टडी है सब, ठीक है। तो मैं सेकेंड अगर मैं बात करूँ, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में बात आ गई होगी सिलेबस को, ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट्स में, ठीक है। और हम लोग बात करें ग्रुप डायनेमिक्स की, ग्रुप डायनेमिक्स ये आपका थर्ड सेक्शन है, ठीक है, सॉरी फोर्थ सेक्शन है ये, ठीक है। तो फोर्थ सेक्शन में मैं बात करूँ यहाँ पे आपको मेनली यहाँ पे आपको 1 to 8 12 चैप्टर्स है यहाँ पे, ठीक है, 12 टोटल चैप्टर्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगी ग्रुप डायनेमिक्स में इंट्रोडक्शन टू ग्रुप डायनेमिक्स, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एंड ग्रुप रोल्स एंड नॉर्म्स, ग्रुप कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जैसे ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लीडरशिप आ गया, टीम बिल्डिंग वर्क आ गया, फिर से डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन ग्रुप्स आ गया, ग्रुप्स कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया, ग्रुप प्रोजेक्ट्स आ गया, ग्रुप अभी मैं अभी आप लोगों को जानता हूँ, मैं कुछ अभी समझ में उतना नहीं आ रहा होगा इस टॉपिक, थोड़ा अभी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी अभी तो मैं बस सिलेबस अभी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये सब आपको एक सिलेबस पढ़नी है क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, हम लोग इसमें भी इम्पोर्टेंट मैंने आज कवर कराऊंगा, हर दिन कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स में कवर कराता रहूंगा ताकि आप लोग की रिविजन होती रहे, ठीक है। और कल से हम लोग केस स्टडी करेंगे, एंड जो थर्ड है और जो हमारा फिफ्थ सिलेबस है, फिफ्थ जो सेक्शन है हमारा वो है इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर में आप लोगों को क्या पढ़नी है कि यहाँ पे जो एक मतलब इंडिविजुअल है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जैसे मैं ही हूँ तो मेरा कैसा बिहेवियर है, ग्रुप का हो गया तो ग्रुप का कैसा बिहेवियर है, ग्रुप का मेनली आपको ऑर्गेनाइजेशन की ही पर्पस से पढ़ाया जाता है, बट आपको इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उसका हर एक जगह बिहेवियर अलग अलग होता है, तो उसके बारे में हम लोग को इंडिविजुअल बिहेवियर में पढ़ना रहता है कि हम लोग का स्वभाव कैसा होता है, हम लोग का परसेप्शन कैसा है, ठीक है, वो सबके बारे में पढ़ना रहता है। तो इसमें आपको मेनली यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपको 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आपको इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ना होगा, पर्सनैलिटी थ्योरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है ये, आपको सेमेस्टर में पढ़ना रहता है, बहुत ही फेमस है ये, एंड परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन जैसे मैंने बताया, मोटिवेशन आपको हर जगह मिलेगी हर एक सेक्शन में, ठीक है, एंड इमोशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको हम लोग एक होता है IQ होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस होता है, और एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, एंड होता है एक एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज हो गया, द सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम हो गया, लर्निंग एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया, कॉग्निशन एंड डिसीजन मेकिंग हो गया, एंड आपको स्ट्रेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, वर्क प्लेस इथिक्स एंड एथिकल बिहेवियर हो गया, क्रॉस कल्चरल बिहेवियर हो गया, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग हो गया, एंड 15 आपका लास्ट हेल्थ एंड वेलबींग हो गया। तो ये सब आपकी 3 सब्जेक्ट्स की मैं सिलेबस बताया हूँ, और आप लोग को आई थिंक जीके और क्वांट्स आप लोग को सिलेबस पता है, उससे आप वेल नोन हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वांट्स में तो सिलेबस पता ही रहता है क्या क्या सेक्शन है, तो उसको मुझे बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, कोई प्रॉब्लम है किसी को, एक बार बता दो मुझे, नो ओके ठीक है, क्वांट्स की भी हम लोग कल करेंगे, ठीक है, कल हम लोग सेशन में सर फिर क्वांट क्लास,
हाँ क्वांट्स के भी हम लोग करेंगे, क्वांट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी करेंगे। और आई थिंक हम लोग यहाँ बेसिक्स नहीं करने वाले क्वांट्स के भी, क्वांट्स के मैं जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा वही आपको करने हैं, ठीक है। और हम लोग आज एक पोर्टल की मैं डिस्कस आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। अभी बने रहो ना, ठीक है, अभी हम लोग की क्लास लंबी चलने वाली है, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग बढ़ते हैं अपनी पीपीटी की तरफ, ठीक है। देखो जो हम लोग की फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे मैं आज ये वाला ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट्स के मैं आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडल्स में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज क्या होती है? देखो साइकोलॉजिकल क्या होती है, साइकोलॉजी से हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग का जो दिमाग है, हम लोग का जो माइंड है वो कैसे सोचता है, ठीक है। साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल मतलब हम लोग साइकोलॉजी की तरफ कैसे हैं, ठीक है। एक सॉरी साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स भी आपका इम्पोर्टेंट आता है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी रहता है, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे थे साइकोलॉजिकल थ्योरीज। तो इस थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या थ्योरी है, ठीक है। फर्स्ट जो थ्योरी है हमारे हम लोग की वो साइक्लोनेटिक थ्योरी है, जो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। ये एक साइंटिस्ट मतलब ये एक थ्योरी ऑथर है यहाँ पे, ठीक है। इनकी बुक्स ये सब भी आती है यहाँ पे, ठीक है। साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है जो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था, कहीं पे भी डाउट होगा तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। ये जो डेवलप किए थे सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है, साइकोलॉजी थ्योरी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज इन साइकोलॉजी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फ्रॉयड प्रपोज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोटिव। देखो इस लाइन का मीनिंग क्या होता है कि जो हम लोग का जो माइंड होता है, हम लोग का जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है किससे? अनकॉन्शियस डिजायर से। देखो हम लोग की वॉन्ट्स भी बहुत सारी होती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या हो गया, आपके क्वारलिंग मतलब भी होते हैं, ठीक है, या मोटिव्स हो गया। देखो हम लोग का बहुत तरह का से कि हम लोग को क्या चाहिए, अभी जैसे कि आप लोग को JBMS कॉलेज में चाहिए, ठीक है, JBMS में एक एडमिशन चाहिए, तो आपका क्या है, डिजायर है, ठीक है। आपको कार चाहिए, वो भी आपका एक डिजायर है। एक कॉन्सियस होता है, एक अनकॉन्सियस हो सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर का हर जगह एक स्ट्रांगली अनकॉन्सियस डिजायर भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है, अलग अलग हर जगह मोटिव्स भी होता है। उनका ऑर्गेनाइजेशन में अलग होता है, और जब आप घर पे रहते हो या जब होम में रहते हो तो आपका उनका अलग मोटिव होता है। तो हर जगह आपका अपना अलग अलग परसेप्शन होता है, डिजायर्स होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और मोटिव्स होता है। लाइक इट इज डिवाइडेड इन द माइंड थ्री पार्ट्स, द कॉन्सियस, द प्री कॉन्सियस एंड द अनकॉन्सियस, ठीक है। फ्रेड वर्क ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट सच एज आईडी ईगो, अभी हम लोग बताएंगे आईडी ईगो और सुपर ईगो क्या होता है आने वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एज वेल एज द डिफेंस मैकेनिज्म कैपेबल टू कोप विद कॉन्फ्लिक्ट्स। साइकोलॉजिकल थ्योरी हैड लास्टिंग इंपैक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी एंड रोल ऑफ द अनकॉन्सियस माइंड। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सनैलिटी होती है सबके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, सबकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है और सबकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहाँ पे माइंड होती है और साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग थिंकिंग है, ठीक है, और मैं बोलूँ आपका एक होम में अलग थिंकिंग होगा, आप उस चीज़ को अलग तरीके से सोचोगे, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आप अलग तरीके से सोचोगे, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आपको टीम मेंबर्स भी होते हैं, तो वहाँ पे आपकी डिज़ायर अलग होगी। वहाँ पे डिज़ायर क्या हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डिज़ायर हो सकती है सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, आपकी वहाँ पे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहे, ठीक है, और आपका हमेशा टाइम टू टाइम बोनस मिले, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन में बता रहा हूँ आपकी होनी चाहिए, ये डिज़ायर रहती है सबकी एक ऑर्गेनाइजेशन में। होम में वही आपका थिंकिंग अलग होता है, ठीक है। होम में आपका क्या होता है, आप सोसाइटी में वेल बींग रहो, ठीक है, सोसाइटी के लिए,
ठीक है, आप चाहते हो मुझे लाइक किसी का अगर डिजायर है कि मुझे अच्छा अच्छा खाना मिले तो वो भी एक डिजायर हो गया, और किसी का होम अच्छा हो, ठीक है, वो सब भी है, मतलब एक घर भी अच्छा रहे, तो ये सब एक डिजायर में आता है। तो ये सब आपका अलग अलग थिंकिंग होता है साइकोलॉजिकल में, ठीक है, हर एक का माइंड अलग अलग मतलब वो सोचता है, मतलब मैं परसेप्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, किसी को डाउट होगा तो मुझे बता देना एक बार, ठीक है। अब देखो सेकेंड होता है बिहेवियरिज्म, किसने दिया था, जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर, ठीक है। इनका क्या कहना था, बिहेवियरिज्म इज ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, दैट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड एनवायरमेंट दैट दे सेव देम, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जैसे कि आप अपने एनवायरमेंट में रहते हो, जैसे कि आपका घर अगर कहीं पे भी, जैसे कि आप, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं अगर पुणे में रहता हूँ, ठीक है, मैं अगर पुणे में हूँ, ठीक है, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही एक वेल बींग सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं अगर मैं बोलूँ वही मैं अगर एक चौल में रहूँ, ठीक है, मैं एक छोटा सा एक जगह पे रहूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे एनवायरनमेंट का कैसा इफेक्ट पड़ेगा, हर दोनों जगह तो अलग अलग इफेक्ट करेगा। अगर एक बच्चा यहाँ से अगर एक अच्छे वेल बींग सोसाइटी से डेवलप करेगा बच्चे से, तो वह एक अच्छा इंसान बनेगा, ठीक है, एक अच्छा पढ़ाई करेगा, अच्छे कॉलेज में जाएगा, और एक बच्चा अगर यहाँ से जाएगा तो उसका एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, वो पढ़ाई कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा होने वाला है, ठीक है, ठीक है, और वो किससे किससे कनेक्ट करता है, किससे किससे बात करता है, बट अगर वही एक सोसाइटी वेल मेंटेन रहता है तो वहाँ से कैसे कनेक्ट करता है, अच्छे अच्छे इंसान से मिलता है वहाँ पे, ठीक है, बातचीत करता है, उसका माइंड सेट भी डिपेंड करता है और ऑब्जर्वेशन पे भी होता है। अगर आप सोसाइटी में कहीं पे रह के खुद हो, ठीक है, किसी सिटी में रहते हो या किसी गांव, चेंज होता है आपका बिहेवियर और साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये बात इस जॉन बी और वॉटसन बी अपने थ्योरी में, और दे बिलीव डैट थ्रू कंडीशनिंग प्रोसेस, ठीक है, विद एम्फेसिस ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को भी आप लोग देखकर आपका क्या परसेप्शन होता है, जैसे एक लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप परसेप्शन ऑफ माइंड में, ठीक है, अगर एक ये मैं बोलूंगा कि कोई मोबाइल परसेप्शन है, मतलब हर एक स्टिमुलाई को आप देखकर आपका अलग अलग थिंक होता है, आप अलग अलग दिमाग से, ठीक है, तो उसका ये मतलब होता है आपका एक साइकोलॉजिकल थ्योरी यहाँ पे डेवलप करता है, ठीक है, मतलब डेवलप क्या, मतलब आपका हर एक जगह अलग अलग सोच होता है, मैं सिंपल मतलब रखूँ तो, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, कॉग्निटिव थ्योरी होता है, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम सब में आता है, जीन पैगट है, एरन ब्लैक एंड एल्बर्ट हिल्स, ठीक है, थ्योरी जो है वो फोकस करता है कि हाउ पीपल थिंक परसीव एंड प्रोसेस, ठीक है। देखो इनका क्या कहना था कि ये कैसे फोकस करता है कि पीपल कैसे सोचते हैं, किस हिसाब से उनको परसीव करते हैं, मतलब उनको देखते हैं, कैसे उनका अपनाना है करते हैं इंफॉर्मेशन को, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे कि आप जैसे कि एक बंदे से मिले यहाँ पे, ठीक है, आप बहुत बड़े एक ऑफिस में गए, वहाँ के एक सीईओ से मिले, ठीक है, वहाँ के एक सीईओ से मिले हो, तो उनको देखकर आप क्या सोचते हो, ठीक है, आप सोचोगे ना कि हाँ वो से उनका कैसे कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन वर्क किए, कैसे वो इस स्टेज पे आए कि वो एक कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, अगर मार्क जुकरबर्ग से अगर आपको मौका मिले, ठीक है, मिलने का मौका मिले, तो आप उनके बारे अच्छे बातें उनसे करोगे और आप उनसे अच्छी अच्छी नॉलेज लोगे कि उनसे शेयर करोगे, वो भी शेयर करेंगे, तो उनके बारे में सीख करोगे, ठीक है, और अपने बारे और प्रोसेस कैसे करोगे इन्फॉर्मेशन, तो आप भी उनसे इंस्पायर होकर आप खुद अंदर एक डेवलप करोगे, ठीक है, उनकी थिंकिंग, उनकी माइंडसेट, ये सब उनकी ये कॉग्निटिव थ्योरी कहना है, ठीक है। लाइक जेन पैगट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज एंड एज दे मैच्योर, तो जैसे एक बच्चा भी होता है, एक बच्चा जैसे छोटा है, ठीक है, एक बच्चा जैसे छोटा है, तो वो कैसे वो वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटीज आपको देखता है, कैसे वो बड़ा होता है, मतलब सोच सोच, मतलब हर एक एनवायरमेंट को देख कर, अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखकर, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है बड़ा होकर, ठीक है, फिर ऑफिस जाता है, तो थिंग उसका थिंकिंग एबिलिटीज हमेशा चेंज होता है, बचपन में उसको कुछ और थिंकिंग होगा,
एडल्ट में कुछ और होगा, ठीक है, वो बट 24 के आगे 25 के आगे उसका थिंकिंग कुछ और होगा, ठीक है, तो उसका थिंकिंग एबिलिटी समय से डेवलप करते रहता है उसका। तो मैं नहीं बोलूंगा ना कि 24 साल में उसका बच्चा ऐसा रहेगा दिमाग, वैसा तो नहीं रहेगा, उसका थिंकिंग अलग हो जाएगा, वो मैच्योर ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो मतलब अपना जिसका साल इंक्रीज होगा, उसका ईयर इंक्रीज होता है, वैसे थिंकिंग एबिलिटी चेंज होती रहती, ठीक है। एंड जो फोर्थ है आप साइकोलॉजी क्या हो गया, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो का है ये, ठीक है। साइकोलॉजी के फेसेस द इनहेरेंट गुडनेस एंड पोटेंशियल, इनका क्या कहना था कि इट फेसेस द इनहेरेंट गुडनेस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। देखो जैसे कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग कैसे ग्रोथ हो, ठीक है, हम लोग क्या, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा पढ़ाई करें, ठीक है, अच्छे पढ़ाई करने के साथ हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की ग्रोथ हो, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि हम लोग अपने लाइफ में ग्रोथ करें, हमेशा एक अच्छे पैसे कमाएं, ठीक है, तो ये भी हम लोग का एक गुडनेस होता है, गुडनेस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। एंड कार्ल्स और अब्राहम मस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन दिस मूवमेंट, एंड रॉजर डेवलप क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड विच एम्फेसिस लाइक एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड जेन्युइन इन द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो यही एक कहना है कि इनका लाइक हम लोग का एम्पैथी करता है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या एम्पैथी रहती है हम लोग के माइंड में, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी रहती है यहाँ पे, तो ये सब के बारे में हम लोग ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इसमें पढ़नी रहती है। बेसिकली यही है कि आपको लोग कैसा इंडिविजुअल ग्रोथ का यहाँ पे सोचा जाता है, ठीक है, वो लोग कैसा अपने ग्रोथ के बारे में सोचे और वो लोग कैसे अपना माइंड सेट एक किए रहता है कि इंडिविजुअल चाहता है कि हम लोग ग्रोथ हो, तो ये सब के बारे में हम लोग को इसमें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रहती है। और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में ये पढ़नी रहती है कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी आपको जो डेवलप किया गया है एल्बर्ट बैंडियोरा को, कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मतलब ये जो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी आपको दो मिलकर कंबाइन किया गया है, एक बिहेवियरिज्म से, ये दो को मिलकर कंबाइन किया गया है, ठीक है। इम्फेसाइजेस द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑफ, यहाँ पे आप जो ऑब्जर्व करके सीखते हो, ठीक है, जो ऑब्जर्व करके सीखते हो और जो आप सोशली इन्फ्लुएंस होते हैं किसी से, ठीक है। मैं जैसे बोलूँ कि हाँ मैं अगर पीएम नरेंद्र मोदी से इन्फ्लुएंस हूँ, ठीक है, तो मैं उनके जैसा अपने अंदर डेवलप करना चाहूँगा, उनके जैसा बिहेवियर, उनको उनसे कुछ सीखना चाहूँगा, या फिर ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। सोशली इन्फ्लुएंस का मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, सोशली आप सोसाइटी के देख के कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन उनसे ले सकते हो, उन्हीं को ऑब्जर्व करके आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है, तो ये सब आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में आता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग बात क्लियर है। हाँ सर मैं पूछ रहा था जैसे कि सर सोशल कॉग्निटिव और जो कॉग्निटिव थ्योरी बताया आपने ऊपर, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ये जीन पिगेट और ये एल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी में? में सोशल और कॉग्निटिव में सोशल हाँ सर डिफरेंस क्या है दोनों में? कॉग्निटिव में आपको बोला जाता है कि वो कैसे, जैसे कि ठीक है, एक अगर बच्चा यहाँ पे जब छोटा रहता है तो उसका टाइम टू टाइम क्या होता है, वो मैच्योर होता है ना, अगर मैं बोलूँ उसका 2 साल में कैसा माइंडसेट रहेगा, वो कैसा सोचेगा, और वहीं मैं बोलूँ 24 साल में वो कैसा सोचेगा, दोनों में चेंज होता है, वो टाइम टू टाइम ग्रोथ करता है उसके थिंकिंग में, वो अगर 2 साल का रहेगा तो वो क्या सोचेगा कि हाँ मुझे अच्छा अच्छा खिलौना मिले, मैं इधर खेलने जाऊँ, मतलब 2 साल में भी नहीं, 3-4 साल का जुड़े सर रहेगा, वो मुझे वो सोचेगा कि मैं कितना अच्छा पैसा कमाऊँ, हाउस रहे, ठीक है, तो उसका हमेशा थिंकिंग एबिलिटीज चेंज होता है, डेवलप होता है यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी में, ठीक है, गेटिंग ग्रुप, आप समझ रहे हो यहाँ पे। यस सर और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में मैं ये बोल रहा हूँ, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है ये आपका दूसरा और तीसरा मिलकर बनाया गया, मतलब बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव थ्योरी मिलकर यहाँ बनाया गया है, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि यहाँ पे इस दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके यहाँ पे बताया जाता है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग्स और सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू आपके बिहेवियर में जो चेंज आता है, ठीक है, आप जैसे ऑब्जर्वेशन किसी को करते हो ना कि हाँ मुझे पीएम, जैसे मैं पीएम मोदी के बारे में बताया, उनको ऑब्जर्व करके, ठीक है, उनसे आप इन्फ्लुएंस ये सब होते हो, सोशली भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो सोसाइटी के,
लोगों से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, या फिर किसी की ऑब्जर्वेशन देख के कर सकते हो, हाँ मैं अगर वो ऐसा कर रहे थे तो मेरे अंदर भी उतना कुछ डेवलप हो कि मैं भी उनके जैसा करूँ। तो ये सब आप ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू यहाँ पे करते हो, और सोशली इन्फ्लुएंस के जो आपके डेवलप होती है बिहेवियर के अंदर इस दोनों के एलिमेंट के मिलकर। यहाँ पे बस आपको डेवलप की जाती है, हाँ, आप जो इन्फ्लुएंस करते हो, यही दोनों पॉइंट मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन लर्निंग और इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिहेवियर, और यहाँ पे आपको चिल्ड्रन डेवलप एंड बिहेवियर एबिलिटीज जो आपको थिंकिंग डेवलप करती है। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ये अब हम एस्पेक्ट्स का स्लाइड आई थिंक ऊपर होना चाहिए। टॉपिक है ये है हम लोग का मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स। मोटिवेशन ही एक, आप लोग मोटिवेशन से ही जानते हो क्या एक मोटिवेशन हम लोग करती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ कि आप लोग का मोटिवेशन क्या है कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, मुझे JVMS MHRD प्रोग्राम क्रैक करना है, तो ये आपका अभी सबसे पहला मोटिवेशन है, और बाकी आप लोग कुछ अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये मैं सबका अपना अपना माइंड सेट बता रहा हूँ। जैसे मेरा मोटिवेशन अलग होगा और किसी का मोटिवेशन अलग होगा, किसी को अच्छा सैलरी चाहिए उसके लिए मोटिवेशन अलग है, किसी को घूमने जाना उसका मोटिवेशन अलग है, तो हर एक का मोटिवेशन अलग अलग होता है, और हर एक जगह मोटिवेशन आपका चेंज भी करता है। ठीक है, बच्चों का मोटिवेशन अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, या फिर एडल्ट का अलग होता है, तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे मोटिवेशन तरह तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। पहला होता है इंट्रेंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक, तीसरा होता है मोटिवेशन, चौथा होता है बायोलॉजिकल मोटिवेशन, पाँचवा होता है अचीवमेंट मोटिवेशन। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ ये सब क्या होता है। ठीक है, देखो, इंट्रेंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। ठीक है, इंट्रेंसिक क्या होता है, जो मोटिवेशन आपको एक इंडिविजुअल से मिलती है, इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी और पर्सुइंग ए गोल फॉर द इनहेंस सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट फ्रॉम द एक्टिविटी इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ एग्जाम्पल ले लूँ, तो पर्सुइंग ए हॉबी, लर्निंग फॉर ए सेक ऑफ लर्निंग और एंगेजिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे ये वो मोटिवेशन आपकी क्या होती है, जैसे कि आपकी कोई हॉबी है, ठीक है, आपके अंदर कोई डेवलप हॉबी है कि आप इस हॉबी को कहाँ कर रहे हो, अगर मुझे पढ़ने की बहुत ही है तो मैं हर एक एग्ज़ाम में चाहता हूँ हर एक कोई अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करूँ। ठीक है, मैं UPSC MBA हुए एग्ज़ाम क्रैक करूँ। ठीक है, या फिर आपकी लर्निंग हमेशा एक लर्निंग की इच्छा है, ठीक है, आप हमेशा कुछ लर्न न्यू थिंग्स करना चाहते हो, आप कुछ क्रिएटिव माइंड सेट से करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, आपका कुछ गोल है, हाँ मुझे एक अच्छे पैकेज पे जाना है, तो यही मुझे अभी मोटिवेशन होगा कि मैं एग्जाम क्रैक करूँ। तो ये इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है जो विद इन इंडिविजुअल होता है। ठीक है, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या गोल है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मोटिवेशन आपका इंट्रेंसिक होता है। एक्सट्रेंसिक क्या होता है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन आपका अराइजेस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर से होता है और रिवॉर्ड से होता है। ठीक है, इंडिविजुअल मोटिवेटेड टू परफॉर्म अ टास्क और अचीव ए गोल बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू रिसीव एक्सटर्नल अवार्ड्स एंड अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। देखो जैसे कि आप क्या कर सकते हो, मैं एक अगर स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स का, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हाँ मुझे अगर मैं कुछ काम करूँ तो उसके बदले मुझे कुछ वहाँ पे कुछ अवॉर्ड, कुछ एक्सटर्नल अवॉर्ड, मुझे कुछ वहाँ पे मुझे कुछ रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, मुझे वहाँ पे मैं बोलूँ कि रिवॉर्ड मिले, तो वो सब आपको एक्सट्रेंसिव मोटिव होता है। जो आप करते हो ये आप कर रहे हो, ठीक है, ये मोटिवेशन में आप वो काम कर रहे हो, बट उस काम के बदले आपको कुछ वहाँ पे मिलना चाहिए, तभी आपका वो जो मोटिवेशन है वो एक्सट्रेंसिव कहलाता है। आपको वहाँ पे कुछ मिल रहा है, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हाँ मुझे मोटिवेशन है कि मेरी बोनस मुझे मिले, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो, तो वो आपका एक्सट्रेंसिव होता है क्योंकि उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है। यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है इंट्रेंसिक में, बट एक्सट्रेंसिव में आपको वहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सटेंसिव में वहाँ पे आप कुछ बदले, आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा है, जैसे प्रमोशंस हो गया, प्रेज हो गया, जैसे मैं तारीफ करना, ग्रेड्स, रिवॉर्ड्स एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट्स, आप यहाँ पे अवॉइड करते पनिश, आप हमेशा चाहते हो मैं अच्छा काम करूँ और मुझे हमेशा रिवॉर्ड मिले। ठीक है, आई थिंक इस दोनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ए मोटिवेशन क्या होता है, ए मोटिवेशन आपका ये होता है, रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ मोटिवेशन और ए कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ द डिजायर एंड एंगेज इन एन एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। ठीक है, मैं बोलूँगा कि मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं है, चलो हटाओ,
मैं मुझे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बट मुझे अभी पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है? आप बोलोगे ठीक है, मुझे जीवन में सेमेस्टर एग्जाम क्रैक करने का मन ही नहीं है, ठीक है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है अंदर। हाँ लाइफ में जो भी हो रहा है चलने तो ठीक है, बाकी कुछ मुझे लेना देना है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई मोटिवेशन ही नहीं है, लैक है यहाँ पे आपके माइंड, वहाँ पे कुछ वर्क ही नहीं करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए मोटिवेशन, जहाँ पे आपको मोटिवेशन से कुछ लेना देना है नहीं, आपके अंदर कोई एक्टिविटी उतना करना चाहते हो, ठीक है। फिजिकल मोटिवेशन लाइक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजी मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय द बॉडी भी, ठीक है, लाइक फूड, वाटर, स्लीप एंड सेक्स, ठीक है। तो ये सब आपको सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये सब आपको चाहिए रहता है एक लाइफ में, ठीक है। ये आपको मास्लो हायरार्की नीड्स में भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको जब 5 स्टेजेस में बताऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब आपको बायोलॉजिकल नीड्स होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग यहाँ पे समझ गए हो फूड, वाटर, ये सबसे, ठीक है। और अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है, ये आप लोग को देख कर ही लग रहा है, ठीक है। अचीवमेंट मोटिवेशन इज डिजायर टू एक्सेल, अचीव और एकम्प्लिश चैलेंजिंग गोल्स, ठीक है। अभी क्या है आपके पास, कि अभी आपके पास क्या एग्जाम दिख रहा है, एमएचआरडी का एग्जाम दिख रहा है, तो एमएचआरडी एग्जाम में आप लोग क्या करना चाहते हो, कि वहाँ पे अचीव करना चाहते हो ना, कि हाँ मुझे एमएचआरडी एग्जाम को क्रैक करके मुझे जेईएमएस के कॉलेज में जाना है, आपको सक्सेस पाना है, तो यही तो आपका अचीवमेंट है ना अभी सबसे बड़ा। फिर उसके बाद आपका अलग अचीवमेंट होगा कि हाँ मुझे जब जेईएमएस में मैं चला गया हूँ तो वहाँ से मुझे अच्छा पैकेज मिल लेना है, तो ये भी आपका एक अचीवमेंट है बाद में। तो हमेशा आपका अचीवमेंट मोटिवेशन ही चेंज होता है, हर टाइम पे आपका अलग अलग मोटिवेशन चेंज होता है। जब आप एक चीज को सक्सेस कर लेते हो तो वही दूसरी बार आपका मोटिवेशन चेंज हो जाता है। जब आप कार खरीद लोगे तो मैं बोलूंगा फिर आप दूसरी कार खरीदने के बारे में सोचोगे, हाँ मुझे ज्यादा पैसा आया तो मैं उससे महंगी कार खरीद लूंगा, तो हमेशा आपका मोटिवेशन वहाँ पे भी चेंज ही होती है, ठीक है। आई थिंक आपका मोटिवेशन भी क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को नहीं ना? हेलो, हेलो निशांत, हाँ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है निशांत मुझे। सर इस टॉपिक पर हर बार क्वेश्चन पूछते हैं क्या पेपर में? हाँ पूछेंगे, क्योंकि सिलेबस ही आपका यही है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैं कवर करा दूँ। और मैं आपको जो ध्रुव को मैंने दिए हैं कल जो दिए थे आप टॉपिक 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू, वो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, जब एनरोल हो जाओगे, ठीक ओके सर, है निशांत? पर आई थिंक आप लोग कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी डाउट होगा आप लोग माइक ऑन करके मुझे बता देना, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा टॉपिक को। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अभी आई थिंक ये और पढ़नी है हम लोग, आई थिंक यहाँ पे टोटल 9 है यहाँ पे, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एक सोशल मोटिवेशन भी होता है, सोशल मोटिवेशन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। सोशल मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइक एक्सेप्टेंस होती है, बिलोंगिंगनेस होती है एंड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, ठीक है। लाइक सोशल मोटिवेशन आप क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप सोशली मोटिवेटेड हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों के, अपने सोसाइटी के देख सकते हो, आपके जो करीबी है बिलोंगिंगनेस से आप देख सकते हो, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन डिजायर टू सीक सोशल इंटरेक्शन हो गया, आप लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छा आपको लगता है, आपको मेंटेन रिलेशनशिप बनाना अच्छा लगता है, आपको हमेशा एक लोगों से बातचीत करना, उनसे घुलना मिलना, ठीक है, उनसे हमेशा कॉल पे बात कर, मतलब ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सब आपको सोशल मोटिवेशन से आपको लग रहा है, आपको सोशल देख कर ही आपको ये वर्ड क्लियर होगा, ठीक है। और एफिलिएशन जो मोटिवेशन होती है, लाइक एफिलिएशन मोटिवेशन इज टू डराइव टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर, यहाँ पे आपको क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप जाते रखना दूसरों से, आप चाहते हो कभी आप ये नहीं चाहोगे कि वहाँ पे मुझे निगेटिव रिलेशनशिप मिले, आप वहाँ पे कुछ निगेटिव बात भी नहीं करोगे, हमेशा एक चाहोगे कि हाँ मेरे और इसके बीच में एक अच्छा इंट्रैक्शन हो और एक हमेशा पॉजिटिव वे में बात हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मोटिवेशन। कॉम्पिटेंस मोटिवेशन ये होता है कि कॉम्पिटेंस मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द डिजायर टू डेवलप एंड डेमोस्ट्रेट्स वन स्किल्स, एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस इन वेरियस डोमेन्स, ठीक है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, एक डिज़ायर होती है कि आप हमेशा क्या चाहते हो कि मेरे अंदर स्किल डेवलप हो, कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि वो एक ही स्किल सीख कर हमेशा रहे, आप लोग के जब भी जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहे, ठीक है, हमेशा एक स्किल्स अंदर अपने डेवलप करना चाहिए, एबिलिटीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक कॉम्पिटेंस वे में करते हैं, ठीक है। पीपल इन हाई कॉम्पिटेंस मोटिवेशन मास्टर
मास्टर टास्क, इम्प्रूव देयर स्किल जैसा मैंने बताया कि डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोफेंसी, तो अपना शोकेस करना चाहते हैं अपने प्रोफेंसी, ठीक है, तो ये सब लीडरशिप इसमें आ जाता है। लीडरशिप भी आप लोग जा सकते हो, कोई कंपनी के सीईओ बनते हैं तो वो लोग स्टेज शो ये सब करते हैं, तो उनका ये भी एक मोटिवेशन होता है, ठीक है, कि मैं 10 लोगों के सामने मैं कैसे बोलूँ, 100 लोगों के सामने मैं कैसे बोलूँ, तो ये सब भी कॉन्फिडेंस मोटिवेशन में आ जाता है। ये सब भी स्किल्स आप सीखना चाहते हो, तो ये सब भी बहुत तरीके से स्किल्स होते हैं। पावर मोटिवेशन क्या हो जाता है? पावर मोटिवेशन इज टू डराइव इन्फ्लुएंस कंट्रोल और हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स एंड वन एनवायरमेंट। देखो पावर मोटिवेशन क्या होता है कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं कंट्रोल या एक कैसा आप इन्वायरमेंट से इम्पैक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो सब इसमें आता है। इंडिविजुअल हाई मोटिवेशन सीक पॉजिटिव अथॉरिटी लीडरशिप रोल्स। अगर आप, मैं ये बोलता हूँ, अगर आप अच्छे इंसान से मिलते हो तो आप पॉजिटिव एक अंदर आपकी थिंकिंग आती है, अगर आप एक निगेटिव बंदे से मिलोगे तो आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग आएगी। तो वही है कि आप दूसरों से कुछ अगर सीखना चाह रहे हो तो वही आपके उसको कैसे कंट्रोल करते हो, ठीक है, उसके अगर एक सीईओ से आप किसी कंपनी के सीईओ से मिल रहे हो तो उसके माइंडसेट को कैसे अंदर डेवलप करना, ठीक है, एक इन्फ्लुएंस करता है आपके अंदर। और एक वही अगर निगेटिव बंदे से मिलते हो तो आप उसके अगर निगेटिव काम ये सब को अगर आप करोगे तो आपको गलत इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आप उसको कंट्रोल करते हो, मतलब आप, तो मैं ये नहीं बोलूँगा ना कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों से ही, ऐसा तो नहीं है कि सब जानता है कि यही पॉजिटिव बंदा है यही निगेटिव बंदा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ गलत भी देख रहे हो तो गलत देख कर आप उसको नहीं कर रहे हो तो वो आप कंट्रोल कर रहे हो वहाँ पर उस चीज़ को, ठीक है, आप उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो वही बोलता है कि आपको इम्पैक्ट देखा जाता है कि आप इन्वायरमेंट को देख कर कैसा आपके अंदर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे आपको मोटिवेशन एंड टाइप्स के बारे में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे पर्सनैलिटी थ्योरी। देखो पर्सनैलिटी थ्योरी में मैं तो बोला था वहाँ पे आईडी, ईगो और सुपर ईगो में पढ़ा दूंगा, ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर्सनैलिटी थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको सेमेस्टर में ये टॉपिक आता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉडियन साइकोलॉजी थ्योरी होता है जो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉयड साइकोलॉजी थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इन्फ्लुएंसिंग थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज में आता है ये, ठीक है। इट प्रपोजेज दैट पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस प्रोसेस अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इंटरप्ले बिटवीन थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइंड। देखो इसमें तीन कॉम्पोनेंट उन्होंने दिया था, ठीक है, पहला आईडी दिया था। आईडी देखते हैं क्या है। द आईडी इज प्रिमिटिव एंड instinctual part of mind driven by basic desire and needs such as hunger, thirst and sexual gratification. ID क्या होता है ना, मेरा, जैसे कि मैं बोलूँगा कि हर समय आपका जो personalities होता है वो जैसा change होता है, आपका early childhood experiences भी यहाँ पे आपका आ जाता है, unconscious process भी आ जाता है। और जो ID होता है, ID में आपको जो basic needs होता है, जैसे मैं बताया था, जैसे कि एक बोला जाता है ना रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, आ जाता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आ जाता है। तो आप लोग ये सब चीज चाहते हो कि ये मेरी पूरा डिजायर रहती है सबके बारे में, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है वो आता है आपका ईगो होता है, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है ईगो होता है, ईगो में आपका क्या होता है, द ईगो रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द ईगो रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियस सेल्फ which mediates between the ID and the external world, ठीक है। It operates on the reality principle, balancing the ID desires with the constraints of reality. देखो ईगो में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे आप कैसे एक बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मोटिव, मतलब सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, बट उस पर्सनैलिटी को एक सेकंड का बट उस पर्सनैलिटी को हमेशा आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, आपको एक बैलेंस वे में रखना चाहिए, ठीक है। और ये है वो कॉन्शियस सेल्फ होती है, ठीक है, विच मेडिटेट्स बिटवीन द आईडी एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, जो आपकी बेसिक नीड है, ठीक है, ये वाली नीड और जो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वो दोनों के बीच का जो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस दोनों को कैसे ऑपरेट करना है और सबको कैसे आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बोलूँ कि आपको बाहर के भी दुनियादारी से, मतलब आप कैसे वहाँ से और अपने एक बेसिक नीड्स को कैसे दोनों को मेंटेन करके चलते हो, तो ये भी आपका ईगो में आ जाता है, ठीक है। आपको एक बैलेंस वे में चलना पड़ता है लाइफ को, ठीक है, तो ये एक तरह से ईगो बोल सकते हो।
एंड जो सुपर ईगो होता है, जो सुपर ईगो एम्बॉडीज द मोरल एंड इथिकल वैल्यूज एंड द स्टैंडर्ड इंस्टिल्ड बाय सोसाइटी एंड अथॉरिटी फिगर. इट सर्व्स एट द इंटरलाइज कॉन्शियस गाइडिंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर. ठीक है, सुपर ईगो मीन्स क्या होता है, जो अगर आप किसी सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि कुछ समाज सेवा ये सब हो गया, या फिर कुछ अच्छा करते हो तो आपको सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करती है. ठीक है, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अगर आप किसी वेल नोन सोसाइटी में भी रहते हो, ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ अच्छा काम करते हो, वहाँ पे भी अगर आपका सही आपका नेचर है, तो वहाँ पे आप गाइडिंग इंडिविजुअल टुवर्ड्स सोसाइटी एक्सेप्टेबल बिहेवियर, आप अच्छे से बातचीत करोगे तो आपसे भी तो लोग भी आपसे अच्छे से बात करेंगे. अगर आप उनके साथ बिहेवियर खराब रखोगे तो उन लोग भी नहीं चाहेंगे कि आपको एक्सेप्ट करें. ठीक है, तो सुपर ईगो में ये आ जाता है कि आपको यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल होती है सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये आपको सुपर ईगो में आ जाती है. और आईडी में होती है आपको बेसिक नीड्स, ईगो में आपका होता है जो आपका दोनों के बीच में एक बेसिक नीड्स और एक एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको कैसे बैलेंस ये सब करके चलना है ये. और सुपर ईगो सोसाइटीली एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो होता है, अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तभी ये आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी. अगर आप बुरा काम ये सब करते हो तो कोई नहीं चाहे कि आपको वो सोसाइटी, या फिर अगर आपके अंदर कोई नेचर अच्छा नहीं है तो कोई भी नहीं चाहे कि एक्सेप्ट करे. ठीक है, आपके अंदर एक इथिकल बिहेवियर रहे, ठीक है, हमेशा आप प्रेज करें, हमेशा आप किसी मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रेज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आपके अंदर जो इथिकल बिहेवियर वो, ठीक है, वो सब आपके लिए बनी रहे. ठीक है, तो ये रहता है आपका पर्सनैलिटी थ्योरीज में होता है. ठीक है, तो ये मेनली तीन आपको पढ़नी है यहाँ पे, आईडी को सो पढ़ी हो. ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़नी है ये जेंग एनालिटिकल साइकोलॉजी जो कार्ल जैंग ने दिया है यहाँ पे. ठीक है, जो कार्ल कार्ल जैंग एनालिटिकल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन एक्सप्लोरेशन आर्किटेप्स की कॉन्सेप्ट्स इन, देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स इनकी दी हुई है. ठीक है, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट है यहाँ पे कॉलेक्टिव अनकॉन्सियस दी हुई है, आर्किटाइप्स दी हुई है, परसोना और एनिमा एनिमा एंड एनिमस. ठीक है, चार यहाँ पे दी हुई है. फर्स्ट जो आपका है, जंग प्रपोज दैट ह्यूमंस शेयर ए कॉलेक्टिव कॉन्सियस एंड रिजर्वेयर ऑफ यूनिवर्सल सिंबल्स एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज इनहेरिटेड फॉर एंड कल्चरल हिस्ट्रीज. देखो यहाँ पे जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ह्यूमन के साइकोलॉजी होती है, ठीक है, उसे एक्सपीरियंस करती है. ठीक है, मतलब एक मैं बोलूँ यहाँ पे एक यूनिवर्सल सिंबल होता है, आप कल्चरल हिस्ट्री से भी जानते हो, ठीक है, एंसेस्टर अपने पूर्वजों से भी जानते हो, ठीक है, उनसे भी कुछ मेमोरीज ये सब आपके अंदर डेवलप की जाती है, तो वहाँ से भी आपके कुछ कलेक्टिव अनकॉन्सियस ये सब, मतलब थ्योरी में बोल रहा हूँ, मतलब आती है. ठीक है, एक आपके अंदर अनकॉन्सियस सोच आती है, ठीक है, कि आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ आप लर्न करते हो, वहाँ से भी कुछ सीखते हो कि आपकी कल्चरल हिस्ट्री क्या रही है. अगर मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया के आप मैं कल्चर में आप ढलोगे, अगर आप यूएस में हो तो यूएस का कल्चर आपके अंदर आएगा. ठीक है, आप वहाँ के लोगों से कैसे है, ठीक है, तो हर एक जगह अलग अलग कल्चर होते हैं आपके. ठीक है, तो ये सब आपके अंदर आती है सर. और आर्केटाइप में होती है आर्केटाइप और यूनिवर्सल रिकरिंग सिंबल्स एंड थीम्स फाउंड इन मीथ्स ड्रीम्स एंड स्टोरीज लाइक एग्जाम्पल इंक्लूड द हीरो एंड द मदर एंड द शैडो. आर्केटाइप क्या होता है कि आर्केटाइप एक सिंबल होता है, एक थीम होती है आपके अंदर, एक ड्रीम स्टोरीज होती है. ठीक है, लाइक आप अगर मैं बोलूँ एक सुपरमैन है, आप एक सुपरमैन को कैसे देखोगे, एक आप हीरो की तरह मानोगे, हाँ हमेशा आता है वो मुझे, वो कभी भी कुछ, मैं फिल्मों सब में देखता था ना हम लोग, तो एक फिल्म में स्पाइडरमैन आता है तो सबको बचाता है, तो आपके अंदर उसको देखकर क्या है, एक साइकोलॉजी क्या है उसके अंदर कि वो इंसानों को आकर बचाता है, कुछ बुरा वक्त किसी कुछ बुरा हो रहा है तो वो आकर बचाता है. एक हीरो, आप एक मदर हो गया, ठीक है, एक मदर भी अपने बच्चों को हमेशा संभालती है, तो ये सब के बारे में आपके अंदर क्या एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ये सब में आता है आर्किटाइप में. परसोना हो गया, द परसोना इज अ सोशल मार्क्स और आइडेंटिटी दैट रिप्रेजेंट टू, देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, परसोना क्या हो गया, द परसोना इज अ सोशल मार्क्स और आइडेंटिटी दैट इंडिविजुअल प्रेजेंट टू द आउटसाइड, इट रिप्रेजेंट द रोल प्ले इन द सोसाइटी. ठीक है, मतलब परसोना क्या हो गया, एक सोशली आपका इंट्रैक्शन कैसे है, ठीक है, लोगों से आपके सोसाइटी में.
ठीक है, आप कैसे वहाँ पे बातचीत करते हो लोगों से मिलना, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड ये सब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं वही सब चीज़ें परसों। और एनिमा और एनिमस क्या होता है, एनिमा एंड एनिमस दीज आर इनर एस्पेक्ट्स ऑफ वन पर्सन दैट रिप्रेजेंट फेमिनिन, ठीक है, एंड मैस्कुलिन क्वालिटीज विद इन ईच पर्सन, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मेल फीमेल का जो रहता है क्वालिटीज वो सब आपके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जैसे कि मेल का कुछ अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, ठीक है, अपना अपना एंड एनिमल बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ट्रेड थ्योरी, एक 5 पर्सनैलिटी ट्रेड, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट आता है, ये भी सेमेस्टर में आपको पढ़नी रहती है, ठीक है। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको 5 ट्रेड में बता देता हूँ, ट्रेड्स होती है, ठीक है, मेनली यहाँ पे जो होता है, फर्स्ट होता है आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सेकंड कंसिस्टिवनेस, तीसरा होता है एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है, चौथा होता है एग्रीवलनेस, और पाँचवा होता है न्यूरोटिज्म। पहला जो मैं बता दूँ यहाँ पे, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, देखो इसको मैं आपको सिंपल वे में बता दूँ, अगर एक आसान भाषा में, ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या होता है, जो एक क्रिएटिव बंदा हो यहाँ पे, ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि हाँ आप चाहते हो कि आप एकदम ओपन माइंड हो यहाँ पे, आप हमेशा घुलना मिलना, पार्टी में जाना, आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप एकदम एक्सट्रोवर्ट हो यहाँ पे, कि हाँ मुझे आपको हमेशा एक न्यू आइडियाज, एक न्यू थिंकिंग हमेशा आपको चाहिए, आप हमेशा एक न्यू सोच रखते हो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे उन लोगों से मिलना है, बातें करनी है, ठीक है, तो हमेशा आप ओपन रहते हो, क्रिएटिव रहते हो, तो ये सब आपको ओपननेस टू एक्सपीरियंस में मिलती है। कंसिस्टेंसी में आपको मेजर ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेबिलिटी एंड लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ पे बंदा ना होता है काफी सेल्फ डिसिप्लिन होता है, कि हाँ मुझे अगर 1 बजे ही पढ़ना है तो मुझे 1 बजे ही पढ़ना है, लेट नहीं होना चाहिए, मुझे 5 बजे सुबह उठना है तो 5 बजे ही सुबह उठना है, उससे लेट नहीं होना चाहिए, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होती है। एक्स्ट्रा वर्जन में क्या होता है कि आपको एक आपको सोशली सेटिंग होती है, ये भी आपको एक तरह से मैं बोलूँ फर्स्ट जैसा ही होता है, आप एक्स्ट्रोवर्ट होते हो, यहाँ पे इंट्रोवर्ट नहीं होता है, आप हमेशा लोगों से मिलना जुलना घुलना मिलना ये सब करते हो। और एग्रीबलनेस क्या होता है कि आप थोड़े एग्री इंसान होते हो, कि हाँ जैसे मैं बोलूँ अभी कि कोई बंदा है, ठीक है, जैसे मैं ही बोलूँ किसी को कि तुम मुझे ये काम कर दोगे, हाँ ठीक है मुझे, ठीक है 5 बजे मुझे ये काम है, एक क्लाइंट से मिलना है, तो तुम मुझे 5 बजे से पहले एक पीपीटी या फिर एक स्लाइड मुझे बना के दे दो, ठीक है, तो वो एग्री कर देगा, वो ना नहीं करेगा, हमेशा आप कोई भी कोई काम बोलेगा तो मैं वो ये नहीं बोलूंगा कि मैं ना कभी नहीं करूंगा, मैं बोलूँ हाँ ठीक है मैं ये कर दूंगा, हमेशा एग्री एक विचार का होता है, हमेशा फ्रेंडलीनेस होता है, आप जैसे दोस्तों से बात करते हो तो हमेशा एग्री करेगा आपसे, कभी ऐसा नहीं है ना हम लोग के अंदर होता है कि हाँ मैं उसको ना बोल दूँ, ठीक है, ज्यादातर हम लोग एग्री हो जाते हैं वहाँ पे, तो एक तरह से एग्रीएबलनेस हो जाता है। न्यूरोटिसिज्म में क्या हो जाता है, आपको एक स्ट्रेस होती है, एंगजाइटी होती है आपके अंदर, ठीक है, थोड़ा आप घबराते हो वहाँ पे, आपकी कुछ स्ट्रेस ये सब आ जाती है, तो ये सब थोड़ा न्यूरोटिसिज्म होती है, ठीक है, वहाँ पे एक आपको डाउट होती है, मैं एक फुल डाउट भी रहती है आपको, थोड़ा इमोशनली स्टेबिलिटी यहाँ पे इसको न्यूरोटिसिज्म में आता है। तो ये था बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स और एनालिटिकल साइकोलॉजी जो कार्ल जंग ने दिया था। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस स्लाइड में किसी को भी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड जो हमारा ग्रुप डायनेमिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको देखते हैं आज, चलो देखो ग्रुप से तो आप लोग समझ रहे होगे ना, ग्रुप्स कहाँ कहाँ आपके होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रुप होते हैं, कॉलेज में भी ग्रुप होते हैं, आपके अंदर फ्रेंड सर्कल में भी ग्रुप होते हैं, तो हर जगह आपका अलग अलग ग्रुप से होता है, कोई जगह फॉर्मल ग्रुप आप बिहेवियर करते हो, कोई इनफॉर्मल होता है वहाँ पे भी रहता है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ग्रुप में आपका पहला आ जाता है फॉर्मल ग्रुप, दूसरा आ जाता है इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है, उसके बाद आपका आता है टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स, चौथा होता है आपका सोशल ग्रुप्स, और पांचवा होता है मिक्स ग्रुप। देखो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मल ग्रुप क्या होता है आपका, फॉर्मल ग्रुप आपका क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका वर्क ग्रुप्स, ठीक है, वर्क ग्रुप से क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ दीज आर टिपिकली फॉर्मड इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव टास्क और गोल्स, ठीक है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मुझे एक टास्क दिया कि हाँ तुम मुझे, ठीक है, तो ठीक है मैं उस काम में लग जाता हूँ, तो ये मेरा वर्क ग्रुप है, मुझे एक टास्क अचीव करना है। कमिटी दूसरा होता है, कमिटी या फॉर्मल ग्रुप्स लाइक स्पेसिफिक एड्रेस टू स्पेसिफिक इशू डिसीजन, कमिटीज़ में आपको एक जैसे मैं बोलूँ कि लाइक एक लीडर हो गया, ठीक है, एक ग्रुप होता है वो,
लीडर क्या करता है, हर एक, अगर हर एक सिटी का, हर एक गांव का, हर एक एक पीएम होगी, पीएम मोदी जी हो गए, तो हर एक सोसाइटी को, हर एक दुनिया में, मतलब इंडिया में जितने भी सिटीज है, गांव है, तो वो सबको एड्रेस करना, जो भी इश्यूज वहां पे चल रहे हैं सबको ठीक करना, ठीक है। मतलब हर एक जो लीडर होते हैं, जो हर एक चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबका अलग अलग काम होता है, तो हर एक जगह के स्पेसिफिक इशूज है, वो सबको ठीक करना, एड्रेस करना, ठीक है। उसी तरह प्रोजेक्ट टीम्स होती है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टीम्स आर फॉर्म टू वर्क ऑन टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, दे आर क्रिएटेड एंड ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक स्किल्स एंड कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स मतलब क्या हो गया, कोई आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला है उस काम करने को, तो आपको उसको पूरा करना है, अकॉम्प्लिश करना है, ठीक है। सॉरी, चौथा होता है आपको टास्क ग्रुप, टास्क ग्रुप, टास्क सॉरी टास्क फोर्सेस, टास्क फोर्सेस आर टेम्पररी ग्रुप्स फॉर्म टू टैकल स्पेसिफिक ऑफन कॉम्प्लेक्स इशूज और प्रॉब्लम। टास्क ग्रुप्स क्या होता है कि अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क मिल जाए, ठीक है, कोई इशूज है सब, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, कैसे उसको बेयर करोगे, तो वो सब आपको टास्क ग्रुप में मिल जाता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप तो आप समझ ही रहे हो क्या हो जाता है, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में आप कैसे बात करोगे, फॉर्मल तो बात नहीं करोगे ना, ऑफिस जैसे बात करते हो, ठीक है, तो वैसा रहता है। इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म कॉमन हॉबीज हो गया, एक्टिविटीज हो गया, पैशन हो गया। कुछ देर आपका सपोर्ट ग्रुप क्या होता है, सपोर्ट ग्रुप आपको कोई इमोशनल सपोर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन असिस्टेंस टू इंडिविजुअल फेसिंग स्पेसिफिक चैलेंज, हेल्थ रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट ग्रुप हो जाता है। ऐसा होता है ना कि आपका ये भी एक तरह से फ्रेंड ग्रुप ही होता है, कि अगर आप फैमिली ये सब का हो गया, तो अगर आपकी तबीयत ये सब खराब हो जाती है, हेल्थ इशू आता है, तो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं ना कि हाँ ठीक हो जाएगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सपोर्ट ग्रुप हो गया। टास्क ओरिएंटेड ग्रुप क्या होता है, यहाँ तो देख कर ही लग रहा है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें करोगे, डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स हो गया, क्रिएटिव हो गया, तो ये सब इसमें टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स में आ जाता है। चौथा हो जाता है सोशल ग्रुप्स हो गया, जिसमें आपको रिक्रिएशन ग्रुप्स आ जाता है, ठीक है। रिक्रिएशन ग्रुप्स क्या हो जाता है, दीज ग्रुप्स कम टुगेदर फॉर लेजर एक्टिविटीज एंड एंटरटेनमेंट सच एज स्पोर्ट्स टीम, बुक क्लब्स, ये सब आपको आ जाता है, जो साथ में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स, जैसे कि इंडिया टीम है, ये भी एक रिक्रिएशन ग्रुप है, ठीक है। गेमिंग ग्रुप हो गया, कल्चरल ग्रुप से सब भी होती है, रिलीजियस, आप लोग ज्यादा ना मंदिर में देखते हो, आप लोग पंडितों का ग्रुप है, ठीक है, आपका वहाँ पे बहुत सारे आप अलग अलग धर्मों के अलग अलग आपको एक ग्रुप मिल जाएगी यहाँ पे, रिलीजियस इतने के सब की, ठीक है। और नेटवर्किंग ग्रुप भी आ जाती है, ठीक है। नेटवर्किंग ग्रुप लाइक फैसिलिटेट प्रोफेशनल और सोशल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, दे कैन बी यूजफुल फॉर करियर एडवांसमेंट। करियर ग्रुप क्या होता है, नेट सॉरी नेटवर्किंग ग्रुप क्या होता है, आपका मैं बोलूँ अगर किसी से जान पहचान ही नहीं है दुनिया में, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, तो वहाँ पे तो आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा ना, लिंक्डइन पे आप कनेक्ट करते हो, फेसबुक पे कनेक्ट करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट, ये आपका नेटवर्किंग ग्रुप हो गया। अब हमेशा लोगों से नए नए मिलते हो, करियर एडवांस में पर्सनल कनेक्शन आप बनाते हो वहाँ पे, ठीक है। मिक्स ग्रुप क्या हो जाता है, मिक्स ग्रुप मतलब हाइब्रिड ग्रुप्स, सम ग्रुप्स मे बी कैरेक्टर और बोथ फॉर्मल एंड, मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस एंड डायनेस, मतलब कभी कभी दोनों मिला के भी होता है, फॉर्मल भी होता है अनफॉर्मल भी ग्रुप्स होता है सभी का, ठीक है। तो ये दोनों मिला के पर्पस यहाँ पे बनती है हाइब्रिड, ठीक है। तो आई थिंक इसमें ग्रुप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ट्रक टकमैन मॉडल होता है, यहाँ पे आपको पांच स्टेजेस दी जाती है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड लर्निंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा देता हूँ। देखो फॉर्मिंग क्या होता है ना, मैं कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल दूंगा इसमें, उससे आप लोग इजीली समझ जाओगे आप इसको क्या करना है। देखो फॉर्मिंग क्या होता है ना, फॉर्मिंग लाइक इसका कैरेक्टर्स, लीडरशिप, गोल्स, ये सब, ठीक है, इतना हम लोगों ने जाना डीप में। देखो फॉर्मिंग मतलब क्या होता है ना, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक एम्प्लॉयज की तरह जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले एक टीम फॉर्म होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप जाओगे और सिंगल ही काम करने के लिए आपको भेज दिया जाएगा, यही होता है, ठीक है। आप एक ग्रुप में जाते हो, एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है, ग्रुप मेंबर बनाया जाता है, जिसको एक साथ रखा जाता है, फर्स्ट टाइम वो लोग मिलते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो अच्छे से बात करेंगे, उनके अंदर जान पहचान बढ़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग एक्विटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग पहली बार एक तरह से टुगेदर होते हैं, ठीक है, गेट टुगेदर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद उनके अंदर लीडरशिप, ये सब गोल्स, ये सब भी रहेगी। तो ये सब आपको फॉर्मिंग, मतलब फॉर्मिंग मतलब क्या, जुड़ना, सीधा सिंपल समझो, सेम जुड़ना, मतलब पहली बार मिले, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा क्या हो जाता है आपका, स्टॉर्मिंग हो जाता है। स्टॉर्मिंग में आप लोग समझ रहे हो इस वर्ड को, वहां पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है,
तो वहां पे कभी कभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वहां पे एकदम आपको अच्छे ही काम करोगे, अच्छे ही, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा सबके बारे में, कभी कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल जाती है, ठीक है, स्टॉर्मिंग भी होती है, मतलब स्टॉर्मिंग मतलब आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, टेंशंस हो गया, मतलब कभी किसी के मन में किसी दूसरे के विचार, मतलब ये सब हो जाता है ना, कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, तो वही मैं बोल रहा हूँ नॉमिंग में से क्या होता है, फिर वो ड्यूरिंग द नॉमिंग स्टेज द ग्रुप स्टार्ट टू एस्टेब्लिश मोर हार्मोनी, तो फिर यहाँ नॉमिंग मतलब फिर अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करना, ऐसा तो नहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको चलने दो, ऐसा तो नहीं उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो फिर अपने टुगेदरनेस आएंगे, फिर चाहेंगे कि एम्प्लॉयज एक साथ रहे, एक साथ काम करे, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो उसी को नॉमिंग कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा परफॉर्मिंग होता है कि परफॉर्मिंग मीन्स कि आप अच्छा परफॉर्म करो, हर एक चाहता है एम्प्लॉयज कि मैं हाईली प्रोडक्टिव रहूँ विथ मेंबर्स, वर्किंग टुगेदर रहे, ऐसा तो नहीं ना सब लोग अलग अलग ही काम करें, किसी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको हमेशा अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। एट जर्निंग मतलब क्या हो गया, एट जर्निंग स्टेज ऑकर्स व्हेन द ग्रुप टास्क इज कंप्लीटेड व्हेन इट्स डिसबैंड्स फॉर अदर रीजन, जब आपका एक टास्क ग्रुप जो का टास्क है, अगर मैं बोलूँ कोई टास्क दिया है हाँ आपको इतना टारगेट पूरा करना है, तो वो पूरा हो गया, तो फिर एट जर्निंग हो गया, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट हुआ फिफ्थ स्टेज तक वो खत्म हो गया। पहला क्या मैंने बताया नॉर्मिंग, जहाँ पे आपको पहली बार सब लोगों ने मिला, दूसरा आपको क्या होगा स्टॉर्मिंग, कॉन्फ्लिक्ट से सब बारे में होगा, नॉर्मिंग मतलब फिर आपको एक साथ सब लोग आए, ठीक है, सब लोग फिर से काम किए, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया गया, परफॉर्मिंग मतलब फिर से वो लोग काम किए, हाईली प्रोडक्टिव वर्क, सब लोग एक साथ काम किए, कम्युनिकेशन किए, उसके एडजर्निंग मतलब फिर उस काम को पूरा कर लिया, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप से फाइव स्टेप ये चलता रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये सब में भी आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, ठीक है, क्या आप लोग कुछ लिख रहे हो सर, क्लास और कितने टाइम चलेगा, थोड़ा अर्जेंट वर्क आया है सर, आज के पीपीटी के नोट्स व्हाट्सएप पे सेंड करना सर, ठीक है ठीक है ठीक है, निशात मैं कर दूंगा, आप अभी जा रहे हो क्या? यस सर, ठीक है, अगर आप जाना चाहते तो जा सकते हो, मैं आप इनरोल हो जाना, ठीक है, ओके सर, अगर आप इनरोल होना चाहते हो, मतलब आप इनरोल कर रहे हो ना निशान, ठीक यस सर, यस सर, है, तो आप मुझे पे कर देना, वहीं पे इनरोल कर देना और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, तो मैं आपको जितने स्लाइड्स है मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है, ओके, आप जा सकते हो, ठीक। ध्रुव आपको कोई डाउट नहीं ना यहाँ पे, नहीं सर, क्लियर है ये वाला टॉपिक। सारा क्लियर है ना अभी तक? हाँ यस सर, यस सर, अच्छा लग रहा है क्लास आपको? यस सर, अच्छा लग रहा है। ठीक है ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर, देखो अब क्या पढ़ना है हम लोग को, ग्रुप नॉर्म्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। देखो ग्रुप्स के भी ना बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्म्स मतलब क्या, मेनली स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग बात करना, ठीक है, तो ग्रुप्स नॉर्म्स आर शेयर्ड एक्सेप्टेंस शेयर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन विद इन ग्रुप, ठीक है, मतलब हर एक ग्रुप का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, वैल्यूज होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आपको मेनली आपको कितना है यहाँ पे 10 टाइप्स बोल सकते हो पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, चलो पहला देखते हैं, सोशल कन्फर्मिटी होता है, ठीक है, पहला जो है सोशल कन्फर्मिटी क्या होता है कि लाइक ग्रुप्स नॉर्म्स ऑफर एक्सर्ट प्रेशर ऑन इंडिविजुअल्स टू कंफॉर्म टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर विद इन द ग्रुप, द प्रेशर कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब मैं बोलूँ कि एक आपको मैं ये बोलूँ एक्सप्लिसिट मतलब एक आपको डायरेक्ट हो सकता है या फिर एक इनडायरेक्ट हो सकता है, एंड इन मेन नॉर्म्स गेन्स एक्सेप्टेंस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और फिट इन द ग्रुप, क्या होता है इसका मेन मतलब होता है कि आप एक ग्रुप में जा रहे हो तो आप उस ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, हाँ मुझे वो ग्रुप अच्छा लग रहा है, मैं उसको अच्छे से वहाँ पे काम कर रहा हूँ, उस ग्रुप से बातचीत कर रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है और मैं उस ग्रुप पे फिट हूँ, और मैं उस ग्रुप में मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, मेरा कभी किसी से झगड़ा ये सब हो, मैं हमेशा चाहता हूँ ग्रुप सोशल कन्फर्मिटी हूँ, मैं वहाँ पे एकदम फिट हो चुका हूँ उस ग्रुप में, ठीक है। बिहेवियर रेगुलेशन क्या हो जाता है, नॉर्म सर्व एज ए फॉर्म ऑफ बिहेवियर रेगुलेशन विद इन द ग्रुप्स, ठीक है, दिस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हेल्पिंग मेंबर्स अंडरस्टैंड व्हाट द एक्सपेक्टेड ऑफ देम।
अगर आप किसी ग्रुप में जाते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे आपको किसी से एक्सपेक्टेशन, हाँ भाई हर एक का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है, आप एक हमेशा आपका एक लिमिट होता है कि आप इस लिमिट पार नहीं, मतलब क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, आपका क्या इनप्रेट और एप्रोप्रिएट वहाँ बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, आप एक किसी ग्रुप में होता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कुछ कर दो, तो आप लोग हर एक अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है, तो आप उस कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो आप एक दूसरे से, वो इनको बिहेवियर रेगुलेशन में आता है। और कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होता है, ग्रुप्स नॉर्म्स प्रोमोट कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी एंड बिहेवियर, ठीक है, ग्रुप नॉर्म्स जो होते हैं वो प्रमोट करता है कंसिस्टेंसी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड बिहेवियर, व्हेन मेंबर्स एडहेर टू नॉर्म्स इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट विद इन द ग्रुप एज मेंबर एंटीसिपेट एंड हाउ अदर विल एक्ट ऑन वेरियस सिचुएशन, मतलब यहाँ पे क्या है मेनली क्या होता है कि सबका एक प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी होता है ग्रुप में, ठीक है, हर एक चाहता है कि ग्रुप में उसके ट्रस्ट करे मेंबर्स, ठीक है, मैं नहीं ना चाहता हूँ मैं एक ऐसा ग्रुप बना लूँ जहाँ पे कोई ट्रस्ट ही ना करे, ठीक है, एक दूसरे को ट्रस्ट ना, तो ग्रुप का भी बन सकता है, वो ग्रुप का भी सक्सेस होगा कभी नहीं होगा, ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे आप परफॉर्म करोगे वो भी एक सिचुएशन में देखा जाता है, हर एक सिचुएशन में ग्रुप मेंबर्स एक्सपेक्टेशन होता है, तो ये सब आपका कंसिस्टेंसी प्रेडिक्टेबिलिटी में आता है। कल्चर एंड वैल्यूज एथिकल वैल्यूज में भी आता है, ठीक है, लाइक यहाँ पे आपको कल्चरल मोरल वैल्यूज ऑफ द ग्रुप दे गाइड बिहेवियर इन एलाइनमेंट विद दीज वैल्यूज एंड हेल्प मेंटेन ग्रुप आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी, हर एक ग्रुप का आपको एक मेंटेन करके चलना पड़ता है, उसकी आइडेंटिटी और इंटीग्रिटी एक ऑनेस्टी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, ऐसा काम मत करो कि उस ग्रुप में कुछ आप किसी मैं बोलूँ रूल को आप तोड़ो, ठीक है, जो उस ग्रुप का रूल है, हर एक चाहता है ग्रुप एक सही से काम करे, एक अलाइनमेंट पे सेट करिए, तो ये सब आपका कल्चर एथिकल वैल्यूज में आता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या होता है, एक ग्रुप कभी नहीं चाहता है कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, कोई नहीं चाहता है, नॉर्म्स कैन प्ले रिजॉल्विंग ग्रुप्स, अभी जब भी कुछ ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको कैसे आप रिजॉल्व करते हो, ये सब इसमें आता है। ग्रुप कोहेंशन में क्या होता है, जैसे कोहेंशन मतलब एक तरह से टुगेदरनेस होता है, ठीक है, नॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू ग्रुप कोहेंशन बाय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ बिलोंगिंगनेस और शेयर्ड आइडेंटिटी होता है, हर एक ग्रुप चाहता है कि उसके अंदर एक टुगेदरनेस, ऐसा तो नहीं ना कि हर एक ग्रुप मेंबर एक अलग अलग सोच हो, इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक का अपना अपना होता है, बट ये सब चाहता है कि हर एक ग्रुप में एक टुगेदरनेस हो, हर एक बात करे कोऑर्डिनेट करे, ऐसा तो नहीं है ना कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा और अपने काम करने में लगे हुए, ऐसा तो कोई कोई ग्रुप नहीं चल सकता, तो यहाँ पर ग्रुप कोहेंशन में आ जाता है कि हमेशा आप टुगेदरनेस और बिलोंगिंगनेस के समय आप रहे, ठीक है। सातवां हो जाता है इनोवेशन एंड चेंज, देखो हर एक ग्रुप ये है कि व्हाइल नॉर्म्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी दे कैन आल्सो हैंडल इनोवेशन एंड चेंज व्हेन दे बिकम टू रिजिड, ग्रुप विथ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स मे रिसीव न्यू आइडियाज और अप्रोचेस दैट चैलेंज एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देखो कोई भी ग्रुप नहीं चाहता है कि आप कुछ ऐसा कुछ कर दो कि उनका ग्रुप कुछ मतलब मैं जैसा बोलूँ रूल को ना तोड़ो, ठीक है, मतलब हमेशा वो चाहेगा दे कैन ऑल्सो हाइड इनोवेशन एंड चेंज न्यू बिकम्स टू रिजिड, ठीक है, हमेशा चाहता है कि वो लोग अच्छे से काम करें, ठीक है, ग्रुप विथ स्ट्रिंग नॉर्म्स में रिसिस्ट न्यू आइडियाज अप्रोचेस, ठीक है, तो यही सब बोल रहा है कि इनोवेशन एंड चेंज ये सब पे भी अगर हर एक ग्रुप का हर एक मेंबर का उसमें अगर कंसेंट है, अगर सहमति है कि हाँ मुझे ये सब के बारे में और भी कुछ लाने हैं अपने ग्रुप में चेंजेस लाने हैं, तो वो सब तभी सब मिलकर ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि अगर मैं ये अभी अलग काम कर रहा हूँ वो लोग अलग काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, सबका अपना अपना जब चेंज होगा सबका एक अलग कॉन्सेंट होगा, एक साथ बात करेंगे तब उस पर काम करेंगे, तब वो ग्रुप इनोवेशन एंड चेंज पे काम कर सकता है, ठीक है। पीयर प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर आप लोग जानते हो ना पीयर प्रेशर क्या होता है, अगर वो अगर मैं इसको हिंदी में बात करूँ तो अगर वो बच्चा अगर आप आज पर ना कि हाँ अगर वो बच्चा क्लियर कर लिए अगर कोई कैट का एग्जाम निकाल तो आपके घर में क्या हो, हाँ आपके पेरेंट्स बोले अरे वो निकाल लिया आपका फ्रेंड निकाल लिया तुम क्यों नहीं निकाल रहे, होता है ना एक पीयर प्रेशर कि आपके अंदर एक प्रेशर रहता है उसको वो निकाल लिया तो आपके अंदर एक प्रेशर रहेगा, ठीक है, या आप क्यों नहीं निकाल रहे, तो एक प्रेशर होता है, ठीक है, दोनों तो वही मैं बोला पीयर प्रेशर उस तरह ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन से भी होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी होती है नॉर्म्स स्टाइल बेस फॉर होल्डिंग मेंबर्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, व्हेन इन इंडिविजुअल वायलेट ग्रुप नॉर्म्स दे मे फेस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज सोशल इंक्लूजन, मतलब अकाउंटेबिलिटी भी होता है ना यहाँ पे आपको, कई सारे अगर आप कुछ वायलेशन करोगे ग्रुप्स का, ठीक है, दे मे अगर आप रिजल्ट को पूरा नहीं फेस कर फेसेस
और सजेस्ट सोशल डिसअप्रूवल आपको मिल सकती है उस ग्रुप में, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से नहीं करोगे वहाँ बिहेवियर सब, ठीक है, तो ये सब आपको आ जाती है। सेल्फ आइडेंटिटी भी आपको करनी पड़ती है, लाइक ग्रुप नॉर्म्स कैन इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। पीपल मे अडॉप्ट द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी विच कैन फर्दर रीइन्फोर्स कन्फर्मिटी, ठीक है। तो अपनी सोशल आइडेंटिटी भी वहाँ बनानी रहती है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे इस 10 को मैंने बता दिया है, आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सर एक बार आप अकाउंटेबिलिटी वापस बता देना, उसमें आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। देखो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है ना, यहाँ पे जो होता है जो मेंबर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं होल्डिंग दे। अगर आप कोई चीज वायलेट करते हो ग्रुप का जो कोई, ठीक है, कोई अगर रूल है, ठीक है, अगर उसको वायलेट करोगे तो आपके रिजल्ट में भी वो दिक्कत करेगी, चाहे वो ग्रुप आपको डिसअप्रूवल कर सकती है, ठीक है, या फिर एग्जिट कर सकती है ग्रुप से। तो वो आपको अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे भी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है, समझ गए ना? यस सर। हाँ ठीक ठीक है ठीक। अब चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ग्रुप, ठीक है। अब देखो बैरियर्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है, रुकावटें होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स में, जैसे कि लैक ऑफ क्लियर गोल्स, ठीक है, मैं बोलूँगा एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपके अंदर कोई गोल ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो आपको कोई ग्रुप में रखना चाहेगा? नहीं रखेगा कोई अच्छे ग्रुप में। आप किसी भी ग्रुप में बिना गोल के बिना ऑब्जेक्टिव पे आपका कोई रिव्यू ही नहीं है तो क्यों रखेगा? कोई कोई नहीं रखेगा। आपके अंदर वो लैक है, कमी है, पुअरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई आपके अंदर पुअर डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने ही नहीं आता है, ठीक है, आप हमेशा मिस्टेक के साथ करते रहो, तो ये सब आ जाती है। कम्युनिकेशन चैनल्स ही नहीं है। आप फेस टू फेस मीटिंग, ईमेल्स और मैसेजिंग एप्स कैन इम्पैक्ट कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है। फिर इनएप्रोप्रिएट और ओवर रिलायंस ऑन सर्टेन चैनल्स कैन हैंडल कम्युनिकेशन। अगर आप ज़्यादा ये सब में अगर रहोगे सच एज फेस टू फेस मीटिंग, ईमेल्स, ये सब में, ठीक है, तो ये सब आपको हैंडल करती है कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो ये सब भी आपको आ जाता है। साइक फिजिकल बैरियर्स में भी आ जाते हैं, लाइक फिजिकल फैक्टर्स सच एज डिस्टेंस, मीटिंग ग्रुप्स। अगर आप, मैं बोलूँगा कभी कभी अगर कश्मीर में हूँ, अगर आप कन्याकुमारी में हो, तो उतने दूर से भी कभी कभी मीटिंग हो जाता है, कभी ऑनलाइन मीटिंग में भी आपको हैंडल हो जाता है, आप अच्छी चीज़ को समझ नहीं पाते हो, तो ये फिजिकल बैरियर भी कभी कभी होता है कि आप अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी जैसा कि करके पढ़ाने टाइम भी आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको हैंडल करती है फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम आ गई है मेरे, इसके अंदर स्क्रीन छोटी हो गई है सडनली शेप में। क्या हुआ? स्क्रीन छोटी हो गई है मतलब? नहीं तो आप फोन को रोटेट कर लो ना, ऐसे जो होता है ना रोटेट। नहीं नहीं सर, रोटेट किया है मतलब जैसे कि वो जैसे स्क्रीन साइड में आता है ना, जैसे कि अभी मेरा नाम आपका नाम आता है जैसे अंकित वर्मा लिखा हुआ आ रहा है, बाकी जो वाला स्क्रीन नहीं आ रहा है जो आप पीपीटी आपने जो शेयर कर रखा है अभी। मेरे में तो शेयर है एक्चुअली। हाँ सर आप परफेक्ट है सर, सॉरी सर वो मैसेज थोड़ा क्लिक हो गया था गलती से। ठीक है ठीक, कोई नहीं, चलो यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। फिजिकल बैरियर आते हैं तो ये देखेंगे हम लोग कल्चरल डिफरेंसेस क्या हो गया कि कई बार आप लोग क्या होता है कोई अलग प्लेसेस पे जाते हैं। अगर आप, मैं बोलूँ अगर राजस्थान से, अगर मैं आपको वही बोल, आपको कुछ लैंग्वेज डिफरेंसेस आ जाएगा, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस आ जाएगा, वो आपको वो बात करने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो यस सर, इन्फॉर्मेशन इन ओवरलोड क्या हो जाता है कि आपको कई बार जो चीज इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। इन टुडे डिजिटल एज
member may inadequate with a constant stream of information may not be challenged इन्फॉर्मेशन जो है ना आज के जमाने में उससे ज्यादा मिलता है मतलब ये मैटर करता है बट कभी कभी इन्फॉर्मेशन ओवरवर्ल्ड हो रहा है जो आपको जितना सीखना है उतना ही करो बट कभी कभी सब लोग कुछ ज्यादा सीखते हैं और उसका कुछ गलत इम्पैक्ट आता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने से कभी कभी माइंड चेंज आता है और वो कुछ अलग ढंग से आ जाता है वो कुछ अलग निगेटिव वे में चला जाता है ठीक है और जो सेवन ग्रुप थिंक क्या होता है ग्रुप थिंक ऑकर्स व्हेन देयर इज एक्सेसिव कॉन्फर्मिटी विद इन द ग्रुप ठीक है और स्टिफलिंग डिसेंटिंग ओपिनियंस क्रिटिकल थिंकिंग लैक ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड हैंडल इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कभी कभी जो ग्रुप थिंकिंग होता है वो अलग होता है ठीक है हम लोग लैक कर जाते हैं ठीक है कि हम लोग क्या अपना डिसीजन दें वहाँ पे ग्रुप थिंक में वो लोग कैसे सोच रहे हैं हम लोग अपना डिसीजन कैसे दे ये सब भी आ जाता है और कभी कभी आपको कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन भी आपका अच्छा रिलेशन नहीं है बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन ग्रुप में ठीक तो ये है मेनली आपको बैरियर्स हो गया और भी है इसमें जैसे कि नहीं करते हो अच्छा बोल सुनते सॉरी यहाँ पे अगर आप सुनते अच्छे से अगर मैं कुछ और बोलना आप कुछ और सुन रहे हो तो ये listening हो गया information filtering हो गया in some cases individual within the group may selectively filter all that information to protect ठीक है मतलब कभी-कभी filter करते हैं कि उनको क्या information चाहिए ठीक है कभी-कभी वो कोई चीज नहीं समझ पाते हैं ठीक है तो यही है कि कभी-कभी information filter के कारण आप चीजों को नहीं barriers आ जाती है एंड कभी कभी टाइम कॉन्स्टेंट भी हो जाता है ठीक है कि आप कि हाँ अगर मैं बोलूँ कि ठीक जी 12 बजे मीटिंग है तो आपको इतने बजे अटेंड करनी है बट आप उस टाइम फ्री नहीं बैरियर आ जाएगी ठीक है मैं बोलूँ आप बोलोगे नहीं मैं 1 PM पे अटेंड कर सकता हूँ तो ये सब भी आ जाते हैं कि आप कभी कभी आप अवेलेबल नहीं हो तो उससे आपको टाइम कॉन्स्टेंट भी आ जाती है ग्रुप साइज से भी कभी कभी होती है ग्रुप साइज अगर बड़ा रहे तो आप कभी कभी भीड़ में बोला जाता है ना कि आप कुछ चीज़ नहीं समझ पाते हो तो उसी का मतलब ग्रुप साइज है अगर ग्रुप साइज स्मॉल रहेगा तो आप वहाँ पर अच्छी चीज़ें समझोगे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टूल से भी आपको ये भी हो जाती है बैरियर्स हो जाती है कभी कभी नेटवर्क अच्छा नहीं रहा ये सब भी हो जाती है कॉग्निटिव बायस भी हो जाती है इंडिविजुअल मीटिंग कॉग्निटिव बायस सच इन्फॉर्मेशन बायस कभी कभी सबका अपना अपना एक तरफा जिसको बोला जाता है ना बायस ये सब भी आ जाती है मैं बोलूंगा नहीं मेरा ही डिसीजन सही है वो बोलेगा नहीं मेरा ही डिसीजन सही है तो यहाँ पे बायस आ जाता है ठीक है तो ये सब एक होता है इमोशनल बैरियर्स भी हो जाती है एक फियर होता है एक एंगर होता है एक स्ट्रेस ये सबसे भी आपको इमोशनल बैरियर्स आ जाती है देखने को ठीक है तो ये था आपको बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ठीक है बैरियर्स टू मैं बता दूँ यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा टेक्निक्स आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग अब जो टेक्निक्स ये सब आती है क्या क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोग समझ रहे हो ना ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है ब्रेन होता है एक आइडिया जिस पे आप काम करना चाहते हो ठीक है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएटिव टेक्निक होता है दैट इनकरेज ग्रुप मेंबर टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज ठीक है और सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विदाउट क्रिटिसिज्म और जजमेंट आप एक यहाँ पे न्यू क्रिएटिव आइडिया टेक्निक से चलते हो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज देखते हो प्रॉब्लम ठीक है विदाउट जजमेंट के ठीक है इसका बेनिफिट्स भी होता है इट प्रमोट्स द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज ठीक है अगर आप वहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म जजमेंट नहीं होगा तो ये सब आपको बेनिफिट होगा कि पार्टिसिपेशन कैन लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन ठीक है ये सब उसकी कुछ स्टेप्स दी हुई है तो आप उसको पढ़ सकते हो और जैसा कि डेल्फी मेथड क्या होता है डेल्फी मेथड में क्या होता है ना कि इसका जो है डेल्फी मेथड स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरप्रेटेड एनालिटिक ग्रुप डिसीजन मेकिंग ऑफन यूज्ड व्हेन एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर ग्रुप ज्योग्राफी डिस्कस्ड यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी होता है ठीक है यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो ठीक है आपका क्या वहाँ पे सोच है थिंकिंग है तो आप उसको वहाँ पे देख दे सकते हो ठीक है आप ग्रुप डिसीजन में आप अपना ओपिनियन ये सबको शेयर कर सकते हो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस थ्रू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चनायर्स और सर्वेज ले सकते हो जैसे कि अगर आपकी कोई टॉपिक है आप कोई टॉपिक में फंस गए तो आप क्वेश्चनायर बना सकते हो कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो सर्वे कर सकते हो तब ये सब कर सकते हो डेल्फी मेथड के थ्रू नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में हो गया आपका डिस्क्रिप्शन हो गया
इसका जो हो गया नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स हो गए, स्ट्रक्चर कंबाइंड इंडिविजुअल आइडिया जनरेशन विद ग्रुप डिस्कशन एंड रैंकिंग टू टीच सेंसर डिसीजन। मतलब यहाँ पे जो है आप आइडिया जनरेशन विद ग्रुप डिस्कशन करते हो कि हाँ अगर मैं ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे आइडिया मिलेगा अगर मैं किसी चीज़ में फंस गया। अगर मैं ग्रुप डिस्कशन हम लोग क्यों करते हैं, अगर किसी चीज़ में कुछ फंस गए हैं तो उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको कुछ आइडिया निकले, कुछ अपना अपना कुछ अपना कमेंट दे, अपना कुछ सो थिंक दें, तो हम लोग वहाँ पे रिव्यू दें, तो वहाँ पे हम लोग कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस टॉपिक का। तो वही हम लोग उससे हम लोग आइडिया जनरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक से, ठीक है। और है इसमें मल्टी वोटिंग होता है, यहाँ पे मल्टी वोटिंग फॉर प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट ऑफ ऑप्शंस और आइडियाज बाय ऑनलाइन ग्रुप टू मेक द वोट। देखो इसमें क्या होता है ना, मेरा एक टॉपिक है, मैं उसमें चाहता हूँ कि मैं 10 लोगों से उनका ओपिनियन लूँ और 10 लोगों का ओपिनियन मैं एक लिस्ट में क्रिएट कर दूँ और मैं वहाँ पे सबका एक वोटिंग वोटिंग करूँ कि हाँ किसका सबसे बढ़िया अच्छा आइडिया है, या वो 10 नंबर पे जो बंदे उसका आइडिया अच्छा है, या फिर फर्स्ट नंबर पे उसका आइडिया अच्छा है, या फिर जो 5th नंबर पे उसका आइडिया अच्छा है, तो उसके हिसाब से मैं वहाँ वोट करूँगा। अगर 10 नंबर का बंदा अच्छा आइडिया तो उसको फर्स्ट पे रखूँगा, 5वां का अच्छा है तो उसको सेकेंड पे रखूँगा, एक तरह से वोटिंग लिस्ट के जैसा, ठीक है। 5वां डिसीजन मैट्रिक एनालिसिस। डिसीजन मैट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पे आपको डिसीजन मैट्रिक एनालिसिस इज अ टूल दैट हेल्प्स टू ग्रुप्स इवैल्यूएट एंड कंपेयर ऑप्शंस बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया और फैक्टर्स। देखो यहाँ पे जो हेल्प करती है ये जो डिसीजन मैट्रिक्स एनालिसिस है वो हेल्प करती है इवैल्यूएट करने में कि कंपेयर ऑप्शंस बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पे जो होती है उनके आधार पे यहाँ पे ये डिसीजन मैट्रिक्स यहाँ पे ये काम करती है। मतलब बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होती है, तो वो सबको एवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही ओपिनियन पे चलूँ, एक ही ऑप्शन पे चलूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वे में बताया जाता है, स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव वे में आप हमेशा आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रहना चाहिए कि हाँ ये आइडिया नहीं काम करे तो ये अच्छा है, ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। और एक होता है कॉन्सेंसस बिल्डिंग होता है, ये होता है कॉन्सेंसस बिल्डिंग इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड डिसीजन प्रोसेस एम्ड एट रीचिंग अननेमनस डिसीजन और ए डिसीजन दैट ऑल ग्रुप्स मेंबर्स कैन सपोर्ट। मतलब एक प्रोसेस होता है कि एक स्ट्रक्चर डिसीजन प्रोसेस है जहाँ पे हर एक ग्रुप मेंबर का मुझे सपोर्ट मिले और उसको मैं पूरा कर सकूँ एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। तो यही होता है मेनली आपको कॉन्सेंसस बिल्डिंग, ठीक है। साथ में होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस तो आप लोग जानते हो, ये सब तो आप लोग को आई थिंक इंजीनियर सबको ही पढ़ाया जाता है, ये सब सब्जेक्ट्स में आती है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस मेनली होता है ना, एस से होता है स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू से वीकनेस होता है, ओ से अपॉर्चुनिटी होता है, टी से थ्रेट होता है, ठीक है, यहाँ भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होता है ना, मैं अगर इसको सिंपल में बोलूँ तो स्वॉट एनालिसिस जो होती है ना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आप देखते हो। अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मैं क्वांट से बहुत अच्छा हूँ, हाँ मैं क्वांट से बहुत अच्छा हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है मेरी, वीकनेस चलो मेरी जीके थोड़ी वीकनेस है तो जीके मेरी वीक में आ गई। अपॉर्चुनिटी क्या है, हाँ मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे कुछ न्यू आइडियाज, मुझे कुछ न्यू स्किल्स डेवलप कर रही है तो वो कर मिल जा रही है। थ्रेट्स क्या हो सकती है, फियर ये सब हो सकती है आपकी, ठीक है, डर कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में बात करूँ, आपका अच्छा काम, वीकनेस आपकी क्या हो सकती है, हाँ अगर मैं उस काम को पूरा ना करूँ तो कुछ वीकनेस की आपकी होती है, ठीक है, कि लाइक मैं मेरे पास काम करना है तो वही अपॉर्चुनिटीज आ गई, थ्रेड से सबके कलीग से सब हो गए, तो कुछ ये सब आपके थ्रेड्स आ जाते हैं, तो ये आपको शॉर्ट एनालिसिस मिल रही होती है। बहुत ही फेमस ये एनालिसिस होती है, आपको हर जगह पढ़ने को मिलती है, आप ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। सिमुलेशन एंड सिनेरियो एनालिसिस होती है, इन्वॉल्व यूजिंग मॉडल्स और हाइपोथेटिकल सिनेरियो टू एक्सप्लोर टू पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ बेनिफिट डिसीजन। मतलब अगर कुछ अच्छा आउटकम आ रहा है किसी चीज़ का तो देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं उसको, ठीक है। अगर कोई अच्छा ना काम जैसे हुआ, ठीक है, अगर तो डिफरेंट डिसीजन पे तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसको हम लोग एक मॉडल के थ्रू, एक सिमुलेशन के थ्रू वहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। और एक्सपर्ट पैनल्स में क्या होता है, एक्सपर्ट पैनल इन्वॉल्व ब्रिंगिंग टुगेदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टू प्रोवाइड इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन ऑन कॉम्प्लेक्स इश्यूज। एक्सपर्ट पैनल हम लोग क्यों देखा जाता है,
करोड़पति देखते हो गए आप, करोड़पति में एक्सपर्ट कब आता है? जब वो क्वेश्चन में फंस जाता है। एक्सपर्ट पैनल्स में भी ये सब आता है, अगर कोई ग्रुप किसी चीज़ में फंस गया हो तो उसको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना होगा, ठीक है? कोई अगर उस चीज़ में एक्सपर्ट है उसको बुलाना हो, हाँ आप इस बारे में आपका क्या आइडिया है, क्या क्या आपका व्यू है, तो आप मुझे शेयर करो, तो वहाँ पर ये आता है। फीडबैक लूप्स में क्या होता है, कभी कभी फीडबैक लेते हैं हम लोग ग्रुप मेंबर से कि हाँ यहाँ पर मैं ये चीज़ क्या करूँ, कि आप लोग क्या है आइडिया, तो क्या व्यू है, तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो, तो ये फीडबैक लूप्स आता है। तो ये यहाँ पे 10 पढ़ने जो टेक्निक्स मैंने बता दिया, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पे थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है, फिफ्थ जो है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर। जैसे मैं ग्रुप बिहेवियर बताया उसी तरह की इंडिविजुअल बिहेवियर जो हम लोग को इंडिविजुअल के थ्रू होता है, ठीक है, हम लोग हर एक का अलग अलग बिहेवियर होता है, हर एक पर्सन का, हर एक पर्सन पढ़ना है, ठीक है, क्या होता है अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने फाइव पर्सनैलिटी बताई है ना अभी कुछ देर पहले, आई थिंक ये बात समझ में आ गई है ध्रुव आपको क्या? यस सर आ गई है, तो इसको स्किप कर दूं? यस सर, ठीक है, तो वही आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिपीट मिल जाएगी, हर एक आपको चैप्टर हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ उसमें रिपीट रहती है, ठीक है, इसी तरह आपको सेमेस्टर में भी कुछ ना कुछ टॉपिक रिपीट करती है सेमेस्टर में, ठीक है सर। मास्लो हायरार्की ऑफ, देखो ये बहुत ही मैं जो बोला था ना ये पढ़ाऊंगा, देखो ये क्या होता है, एक आपको ऐसे ग्राफ मिलेगी है, ठीक है, मास्लो में ये आपको ग्राफ मिलती है यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपको फर्स्ट होती है, यहाँ पे आपको सेकेंड होती है, ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट जो आपकी होती है वो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, थर्ड आपकी होती है लव एंड, फोर्थ होती है आपकी स्टीम नीड्स होती है, और फिफ्थ होती है, फर्स्ट जो आपकी होती है वो साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी क्या होगी, जैसे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, आपका बेसिक नीड फूड वाटर शेल्टर एंड स्लीप, ये आपका बेसिक नीड है, आप तो इसके बिना नहीं सर्वाइव कर सकते हो, ये सीधे से साइकोलॉजिकल नीड्स होगी। सेफ्टी नीड्स क्या होगी, आपको कुछ ना कुछ तो सेफ्टी चाहिए ना, अपने आप अगर आप एक लाइफ अच्छा जीना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आप चाहोगे ना कि मुझे अच्छा पैसा कमाओ, मुझे अच्छी सैलरी मिले मेरी, या फिर चलो कोई चाहता है कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो वो सब भी आ जाता है, कुछ ना कुछ सेफ्टी तो चाहिए ना आपको, एक फाइनेंशियल सेफ्टी आ गया, ठीक है, कोई आपको हार्म ना करे, ये सब भी हो जाती है। लव एंड बिलोंगिंगनेस क्या चाहिए, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है, आपकी फ्रेंड सर्कल है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, फैमिली का चाहिए, ठीक है, फिर लोग शादियाँ ये सब करते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या आ जाती है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स आ जाती है थर्ड नंबर पर, ठीक है। फोर्थ क्या आ जाती है, स्टीम नीड्स, ठीक है, स्टीम नीड्स में क्या आ जाती है, यहाँ पे जब वन सोशल नीड्स आर सेटिस्फाइड इंडिविजुअल सीक सेल्फ इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, लाइक यहाँ पे क्या आती है, रिस्पेक्ट हो जाती है, रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स हो जाती है, कॉम्प्लीसमेंट हो जाती है, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ आपके सब लोग रिस्पेक्ट करें, आपके समाज में आप सबको जाने, आप मतलब सब लोग आपको जाने कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो एक सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ स्टीम नीड्स होती है यहाँ पे, ठीक है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है कि जब आप एक रिटायर कर जाते हो उस पोजीशन से, हाँ मुझे सारी नीड्स यहाँ पे मेरी पूरी हो गई है, हो गया, मैं जितना चाहता था कि मैं एक सीईओ बन जाऊँ कंपनी का, मैं या फिर अपने कंपनी खोल लूँ और उसमें मैं बहुत ही खुश हूँ, ठीक है, तो वो आपका एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है जो आपके लास्ट स्टेज में होता है, यहाँ पे आपका सारा नीड्स जब पूरा हो जाता है तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइज आप कर जाते हो, वहाँ पे आप रिटायर कर जाते हो, हाँ मेरी अब सारे मैं आप उस ओल्ड, तो ये आपके फिफ्थ जो आपको नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है, तो ये आपको एक ऐसे ट्रायंगल के वे में आपको ग्राफ मिल जाती है, आप देखोगे नेट पर, आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, यस सर। और है, हाँ ठीक है, हर्ट्ज़बर्ग एक थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी होती है यहाँ पे, एक इसमें होती है मोटिवेशन फैक्टर होती है, एक होती है हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर क्या होती है, आपकी अचीवमेंट हो गई, आपका रिकॉग्निशन होगी, वर्क प्ले वर्क इट सेल्फ हो गया, जॉब एडवांस में अपॉर्चुनिटीज होगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो गया, ये क्या है मोटिवेशन फैक्टर, हाँ मुझे कुछ अचीव करना है, एक अचीवमेंट हो गया, आपकी कोई रिकॉग्निशन, आपकी समाज ये सब में बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट है सोसाइटी ये सब में, आपकी वर्क इट सेल्फ हो गया, जॉब एडवांस में अपॉर्चुनिटी, आपको हमेशा जॉब की अपॉर्चुनिटीज ये सब क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ गई, आपको हमेशा ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिले। हाइजीन फैक्टर उस तरह क्या हो जाता है, रिलेशन विद पीयर्स, आपके दोस्त ये सबसे,
आपके दोस्त फैमिलीज, कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्क प्लेस, वर्किंग कंडीशंस, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी, सुपरविजन, ये सब अभी आता है, हाइजीन फैक्टर में आ जाती है। तो ये खर्चों का बहुत इंपॉर्टेंट टू फैक्टर थ्योरी है जो आपको ये, इसलिए मैं डिफरेंस करके पढ़ा दिया हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। एंड हम लोग बात करें अभी एक और है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड्स तो आप लोग जानते हो ना, एटीट्यूड क्या होता है, हर एक पर्सन का अपना अपना एटीट्यूड होता है, हर एक का पर्सनैलिटी होता है। तो एटीट्यूड पर्सनैलिटी दोनों एक ही बात होती है, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी के हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि नहीं, एटीट्यूड में यहाँ पे जॉब एटीट्यूड हो जाता है भी है। तो जॉब एटीट्यूड क्या होता है कि लाइक यहाँ पे आपको दो तरीके से पढ़नी है, एक जॉब सेटिस्फैक्शन, एक जॉब इन्वॉल्वमेंट। इज एन इंडिविजुअल ओवरऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एवेल्युएशन ऑफ देयर जॉब, ठीक है, मतलब एक कैसा उसका ओवरऑल थिंकिंग है कि लाइक पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है टूवर्ड्स देयर जॉब। एंड हाई जॉब सेटिस्फैक्शन इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका हाई जॉब सेटिस्फैक्शन है तो कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। और वही आपका नेगेटिव है तो कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव एटीट्यूड, हाँ मुझे अच्छे से मेरी 10,000 की सैलरी मिली उस जॉब से, क्या अभी अभी कैसा रहना, 10,000 कुछ नहीं है, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, हाँ जा रहा हूँ मैं बस काम करूँ, कोई आपका है ही नहीं, वही आप उस तरह जॉब इन्वॉल्वमेंट है। जॉब इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्ट द एक्सटर्नल इमोशनली कनेक्टेड टू एंगेज हाई देयर। अगर कोई जॉब में अगर आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहोगे तो वहाँ पे आप काम भी नहीं कर सकते। और आजकल के कंपनीज ये सब ऐसा इन्वायरमेंट बना रही है ताकि वहाँ पे आप इमोशनली भी सबसे कनेक्ट रहो, ऐसा ही नहीं कि आपको एकदम ऑफिशियली कनेक्टेड रहना है। वो लोग ऐसा सा आपको इंटरेक्शन कराते हैं, ऐसा सा वो लोग लीडरशिप मतलब जो वो लोग कराते हैं सेशन ये सब, तो वो सब आपको जब आप कंपनीज में जाओगे तो ये सब आपको देखने को जाएगी जॉब इन्वायरमेंट। दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड्स, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, कमिटमेंट एफर्ट्स टू द एम्प्लॉयज लॉयलिटी, ठीक है, एंड अटैचमेंट टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आप कितना लॉयल हो इस कंपनी, ऐसा तो नहीं ना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप आपका अटैचमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के, और आप कितना कैटेगरी ऑब्लिगेशन, ठीक है, कॉस्ट, ये सब आप कितने कमिटमेंट हो वहाँ पर। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे तो वहाँ पे गलत करो, हमेशा सबका सब कुछ लॉयल रहते हैं, ठीक है। तो यही सब चाहते हैं कंपनी आज के एरा में, देख लो डेलॉयट, TCS, तो ये सब जगह अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज का अलग अलग लॉयल्टी होता है। वो लोग ऑफिस में थ्रू अच्छे मतलब अच्छे काम करे और वो लोग सैलरी इंक्रीमेंट होती है, तभी तो वो लोग सैलरी इंक्रीमेंट होती है, ठीक है, इंक्रीमेंट होती है। उसी तरह मैं बोलूँ ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन से बिहेवियर हो गया, लाइक उसी भी रिफ्लेक्ट वॉलेंट्री डिसेंट्री बिहेवियर डेट गो बी ऑन एन एम्प्लॉय, फॉर्मल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इट इंक्लूड एक्शन लाइक कलीग्स बींग पंक्चुअल, तो ये सब इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन से बिहेवियर आ जाता है। फिर डिसिप्लिन ये सब आ जाता है, सपोर्ट आप करोगे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, हेल्प करोगे, पंक्चुअल रहोगे, ये सब आ जाती है। सोशल एटीट्यूड्स क्या हो जाता है कि आप नेगेटिव एटीट्यूड और जजमेंट हेल्ड टूवर्ड्स इंडिविजुअल और ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड कैरेक्टर सच अ पीरियड, मतलब आपको वहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नेगेटिव एटीट्यूड आपका है टूवर्ड्स द ग्रुप्स बेस्ड ऑन परसीव्ड कैरेक्टर सच अ रेस रिलीजन, ठीक है, तो वही होता है यहाँ पे। अगर नेगेटिव एटीट्यूड आपका रहेगा किसी ग्रुप्स में किसी कैरेक्टर्स को लेकर, तो यही है कि आपका वैसा जजमेंट भी होगा, आपको वैसा थिंक भी रहेगा। स्टीरियोटाइपिंग क्या है, स्टीरियोटाइपिंग इज मेकिंग अजम्पशन लाइक पीपल बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफन लीडिंग टू बायस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे एक मेंबरशिप में रहते हो, ठीक है, एक मेंबरशिप में लिए रहते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है, यहाँ पे आप ऑफन लीडिंग टू बायस एटीट्यूड्स, यहाँ पे आपका एक बायस एटीट्यूड रहता है कि हाँ ये चीज़ सही है तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है तो ये चीज़ सही है, ठीक है, आपका मतलब अलग एटीट्यूड वहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, बायस थिंकिंग रहता है वहाँ पे, स्टीरियो टाइपिंग हो जाता है, बट यहाँ पे आपको नेगेटिव होता है बिहेवियर्स में, ठीक है। उसी तरह होता है कंज्यूमर एटीट्यूड्स होता है, कंज्यूमर एटीट्यूड्स में क्या होता है कि हर एक कंज्यूमर का मैं बोलूँगा कि मैं, ठीक है, मैं अगर बोलूँ मैं प्यूमा का शूज बहुत अच्छा मुझे लगता है, क्या आपको प्यूमा का शूज अच्छा लगेगा, सबका अलग अलग होता है, किसी को कोई नाइकी का शूज मुझे अच्छा लगता है, हाँ तो वही है, सबका अलग अलग ब्रांड है, अलग होता है प्रोडक्ट में, किसी को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता किसी को अच्छा लगता है, सर्विसेज ब्रांड ये सब पे आ जाती है, सबका अलग अलग
बजट होता है, ये सब भी है, ब्रांड लॉयलिटी मैं यही बोलूंगा। हाँ मुझे, मेरे लिए क्यों, आप बहुत ही लॉयल ब्रांड है, आप बोलोगे नहीं मेरे लिए नाइकी बहुत ही लॉयल ब्रांड है, वही है, सबका अलग अलग सेट होता है, अलग अलग एटीट्यूड होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड भी उसी तरह होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बीजेपी से हो, बीजेपी का अलग एटीट्यूड होगा, भारतीय जनता जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का अलग एटीट्यूड होगा, कोई इसको, कोई कोई इसको सपोर्ट करेगा, कोई इसको सपोर्ट करेगा, सबका अलग अलग एटीट्यूड है, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड एटीट्यूड्स अलग हो सकते हैं, हेल्थ बिलीफ्स आर एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड बिहेवियर। कोई कोई देखते हो ना हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस है, हर दिन उठ के सुबह में योगा करेंगे हम, और कोई कारण कॉन्शियस ही नहीं रहता, हाँ चलो यार चल रहा है ठीक है कर लेंगे हम योगा, कभी किसी दिन दौड़ लेंगे हो गए। कोई कोई डिसपर्सेप्शन भी होती है, डिसपर्सेप्शन इन्वॉल्व्स इन इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ लाइक सेवरिटी ऑफ हेल्थ रिस्क। कोई कोई बहुत होते हैं ना हेल्थ रिस्क, हाँ मेरे हेल्थ रिस्क से बहुत ही है, तो वो लोग अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, ये सब आ जाते हैं हेल्थ रिलेटेड एटीट्यूड्स, बहुत ही कॉन्शियस होते हैं उसमें हेल्थ रिलेटेड। एनवायरमेंटल एटीट्यूड्स भी हो जाते हैं, एनवायरमेंटल एटीट्यूड्स में क्या आ जाता है, आपका एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स कंसर्न रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स अबाउट एनवायरमेंटल इशूज कन्वर्सेशन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आपको एनवायरमेंटल एटीट्यूड्स भी होती है, ठीक है, आप एनवायरमेंट से क्या क्या देख रहे हो, ठीक है, आप आस पड़ोस ये सब देख सकते हो, वहाँ पे क्या क्या इशूज है वो सब भी देख सकते हो, मतलब देख के आपको आपके अंदर कैसा एटीट्यूड है, ठीक है। हर घर का अलग अलग एटीट्यूड होता है, तो ये सब आपका एक जो भी एटीट्यूड के बारे में बताया हूँ, ठीक है, इस टॉपिक में। आई थिंक ये जो मैंने सेवन टाइप्स बताई टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ तक ध्रुव आपको समझ में आ गया? यस सर आ गया, क्लियर है, क्लियर है सारा? यस, आज मैंने जितने पॉइंट्स बताए आई थिंक आप लोगों सबको किया, और मैं ये सब पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर, और अगर आप लोग भी कुछ पढ़ना होगा तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, अगर कोई चीज भूल जाते हो तो आप लोग पीपीटी से अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड मैं आज कुछ और भी क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, ठीक है, और हाँ एक चीज मैं और भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, अभी एक वेबसाइट मैं शेयर कर देता हूँ, अपनी वेबसाइट है मेरी, ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप क्वांट के आप एक्सेस कर सकते हो बुक को, ठीक है। यस सर, जो स्क्रीन अभी दिख रही है मेरी, क्या हुआ सर, एक बार आप पीपीटी शेयर कर देना आज पूरी, जो भी आपने पढ़ा है रिवाइज कर लो एक बार। हाँ हाँ श्योर, मैं तो पीपीटी शेयर कर ही दूंगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ, तो मेरे वेबसाइट पे आओगे ना आप तो मैं अभी दिखा देता हूँ, ये ओपन नहीं हो रही, एक सेकंड, आपको ये वेबसाइट देख रही है? यस सर, ये हम लोग वेबसाइट एमबीए शाला की, ये सब अचीवर्स देख सकते हो, ये इस साल की जो कॉलेज में गया कन्वर्ट करके दी गई कोर्स, और ये हम लोग के अपकमिंग कोर्स की यहाँ पे लिस्ट है, तो यहाँ पे आना और ई बुक्स के सेक्शन में यहाँ पे आना, तो यहाँ पे मैंने ई बुक्स लगा दी, ये वर्बल एबिलिटी की है, बट आपको वर्बल एबिलिटी भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़नी आपको, और वो सब तो मैंने ऑलरेडी कॉन्टेंट पढ़ा हुआ, ये लॉजिकल रीजनिंग की है और ये क्वांट्स की है, तो क्वांट्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे कि आपको कोई टॉपिक पढ़ने की मन है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये हम लोग की है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेजेस है, तो हर एक मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना दी है, एक नंबर सिस्टम की अलग है, अर्थमेटिक ये सारी है, और ये आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, ये पूरे अर्थमेटिक में आती है, और ये आपकी मॉडर्न मैथ में हो गई, ठीक है, ये सब सारी ये ज्योमेट्री में हो गई, और ये सब आपकी मॉडर्न में आ जाती है नीचे की। क्या हुआ जैसे एचआर के अभी एग्जाम में लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है सर क्या? मैं हाँ आ सकती क्योंकि क्वांट का ऐसा सिलेबस है वो कहीं से ही पूछ सकते हैं, ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं नंबर सिस्टम से पूछ सकता हूं। नहीं नहीं सर, वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट हूं, मेरे को लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री वो सब ज्यादा क्लियर है, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वही तो आपकी तो क्वांट्स अच्छे से क्लियर है,
तो जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सेट लगाने के मन है तो आप इस बुक से कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आप पूरा चैप्टर ही लेके बैठ जाओ। आपको लगता है कि मैं यहाँ पे एक चीज में बता देता हूँ, यहाँ पे अभी यहाँ से पेज आप चेंज कर सकते हो नीचे से। यस सर। जैसे कि यहाँ से नंबर स्टार्ट है, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम मैंने लेवल वन कर दी है, लेवल वन में मैंने क्वेश्चन सब दे दिए, यहाँ से कर सकते हो। तो सर मैं कौन से लेवल तक क्वेश्चन लगा दूं, आप बता दो, लेवल वन या लेवल टू तक? इन्हा पे लेवल वन नहीं, लेवल मैं बोलूंगा लेवल वन ही काफी है, क्योंकि हम लोग पास अभी उतनी टाइम है नहीं करने की। लेवल लेवल वन में मैं बोलूंगा ना कि आप अपने हिसाब से आप 3-4-5 क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो लेवल टू की है तो मैं क्या करूंगा सर, हर चैप्टर के लेवल वन टू टिक लगा दूंगा सर। हाँ लगा सकते हो। फिर यहाँ पे मैं लेवल टू, लेवल थ्री, मैं सारे यहाँ पे दिया हुआ, सबके सॉल्यूशन देख सकते हो, सबके सॉल्यूशन मैंने दी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे देखो इसका जो है ए ऑप्शन है, यहाँ पे इसका सम, इसका ए ऑप्शन है, तो ऐसे ऐसे सबकी एक यहाँ पे ऑप्शंस मैंने दे दिए यहाँ पे, ताकि आप लोग को सॉल्यूशन देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे बुक डिजाइन किया हूँ, ठीक है। यस सर। और ठीक है, हम लोग की 3 बुक है, बट आपको मेनली क्वांट पे फोकस करनी। और मैं इस ग्रुप की आपको लिंक अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स में ही मैं शेयर कर देता हूँ। और व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे तो? हाँ मैं व्हाट्सएप पे ही कर दूंगा, ठीक है। उसको आप बुकमार्क कर लेना, उसके बाद आप डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में आप एक्सेस कर लोगे, ठीक है। ओके सर। हाँ अभी वही है, अकाउंट बना लेना यहाँ पे इस वेबसाइट, ठीक है। और कैसा लगा आज का सेशन, सही था? कैसा लगा आज का सेशन ध्रुव? सेशन तो अच्छा लगा पूरा, सही था, सारा बात समझ में आया। तो यही था सिलेबस, ये सब भी मैं शेयर कर दूंगा आज, पीपीटी में ही सारा कुछ रहेगा। यस सर। ठीक है। और सर और पीपीटी को एकदम अच्छे से पढ़ लो, आपने जो पढ़ाया है पीपीटी को भी अपने तरीके से पूरा अच्छे से पढ़ लो तो हो जाएगा ना एचआर का कंप्लीट। हाँ अच्छे से, हाँ ये सब सारे जितने सिलेबस आप खुद से ही कुछ कुछ पढ़ो। और मैं जो नेक्स्ट कल सेशन लूंगा उसमें मैं क्वांट से कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, और कुछ इस समय से सिलेबस में कुछ टॉपिक उठा लेंगे हम, ठीक है। यस। और जीके आप करते रहो, ठीक है, जीके। और शाम को आज हम लोग, मैं टाइम बता दूंगा आपको, 8 बजे के आसपास ये आपकी पीआई की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो हर दिन 2 सेशन होगी तो सही रहेगी, ठीक है। Okay, और मैं एक सेट दूंगा अभी 1-2 दिन में, अभी मैं क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ आपको, 2-3 सेट दे दूंगा जहाँ पे आपको हर एक सेक्शन से आपको 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे, और आप उसको टाइमर लगा के 2 घंटे में आप उसको बनाना और देखना कि आपके मार्क्स वही है, तब आप मार्क्स डिसाइड कर सकते हो कि कितनी आ रही है। यस सर। ओके थैंक यू सर। सर अभी पीपीटी, हाँ सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं, बाय। ओके सर बाय। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू।